चलते हैं विशाल फर्नीचर शोरूम के अंदर। है दोस्तों विशाल फर्नीचर शोरूम का एक नज़ारा। यहाँ फर्नीचर की एक बहुत बड़ी यहाँ पे आपको मिलती है श्रृंखला एक्सक्लूसिव सोफे, एक ड्रेसिंग टेबल ये भी एक्सक्लूसिव है, हाइड्रोलिक ये आप देखेंगे डबल बेड, एक विशाल श्रृंखला यहाँ पे डबल बेड की, साथ में विशाल के ये कूलर जो गर्मी में कराते हैं ठंडक का एहसास, एक से एक यहाँ पर बाथ डोल आप जो देख रहे हैं, साथ में अलमारियों की यहाँ पर रेल गाड़ी आदि, रिफ्रेश कंपनी के एक्सक्लूसिव यहाँ पर गद्दों की एक रेंज, यहाँ पर ये सोफ़ा कम्बैक्ट, ये लग्जरी गद्दे, साथ में कमर दर्द वाले गद्दे, ये रिफ्रेश कंपनी विशाल फर्नीचर पर एक ही छत के नीचे आपको मिलता है। देखिए फर्नीचर, कूलर, अलमारी, मतलब वुडन फर्नीचर, और साथ में मिलता है आपको रिफ्रेश का यहाँ पे आरामदायक गद्दा। तो फिर इधर उधर क्यों जाना, छत्ती नंबर एक पर मिलता है ना आपको आपका अपना विश्वसनीय पापा की परियों वाला ये शोरूम विशाल फर्नीचर, और शहर में ऊंट पुल जिंसी नाला नंबर एक पर सभी फर्म एक साथ, लेकिन ग्वालियर के व्यापार मेला छत्ती नंबर एक पर विशाल फर्नीचर, पापा की परियों वाला ये शोरूम। मित्रों नमस्कार, जय बाबा चलनाथ की और जय श्री श्याम। विन ग्वालियर हैथवे डिजियाना जीपीटीएल एशियन डैन के साथ एनएक्सी हिंदूजा नेटवर्क की प्रस्तुति विशाल फर्नीचर आओ मेला चले कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 31 जनवरी 2024 इस साल के पहले माह का आखिरी दिन और बुधवार का दिन, चलिए चलते हैं आज के कार्यक्रम में और देखते हैं किसने क्या घूमा, क्या देखा, क्या पसंद किया और कौन आया आपको गुदगुदा गया इस कार्यक्रम में विशाल फर्नीचर आओ मेला चले। यस जाटव। अच्छा कहाँ रहते हो आप? रामा जी की पुलिया पर। रामा जी की पुलिया पर रहते हो तो मेला घूमने आए हो आज? हाँ। अच्छा टीवी पे भी देखते हो मेला? हाँ। देखते हो? हाँ। अच्छा तो क्या सुनाओगे आप? पोयम। पोयम सुनाओ। मेरा घोड़ा लंबा चौड़ा खाकर पत्ती माँ धुलकती खींचे दाढ़ी सर पर तोड़े पीछे छोड़ी नदी पहाड़ी। हो गई? हाँ। और है कोई बात? हाँ। इतनी सी है? हाँ। कौन सी बिनती सुन ले? अरे वो तो भूल ही गया। हाँ यार वही मैं बोल रहा हूँ यार, वो वाली भूल गए बिनती सुन ले भगवान। हाँ। अरे यार अरे एक और है। हाँ। इंग्लिश में, इंग्लिश में पर टू लिटल टिकी पर सेट अपन अ वॉल कम बैक पीटर कम बैक पॉल, और क्या था मम्मी आगे? हाँ याद आया, याद हाँ याद आ गया। हाँ चलो चलो। वन नेम पीटर वन नेम पॉल फ्लाई अवे पीटर फ्लाई अवे पॉल। अच्छा क्या था मम्मी, क्या बोला था? हाँ क्या पूछा था मम्मी से? हाँ क्या नहीं आ रहा मम्मी, फिर याद आ गया बोलते। अच्छा वो याद आ गया। हाँ। मम्मी को याद है वो पोइम? हाँ नहीं तो? तो फिर मम्मी कैसे बताती है, मम्मी से पूछ रहे थे तो, जब तो मम्मी को तो याद ही नहीं है। अरे मैं भूल ही गया था। अरे यार तुम यार भूल गए थे यार चक्कर जे। और वो वाली पोएम जो बता रहे थे अभी, वो तो भूल ही गया। भूल ही गए आप? हाँ। पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब कम पढ़ते हो। वो पापा ही नहीं ले जाते स्कूल। अच्छा पापा स्कूल ही नहीं ले जाते? हाँ? अरे यार तो स्कूल नहीं जाते तुम? अरे वो पहले जाता था पर अब वो सर्दी चलने लगी इसलिए नहीं ले जाते। अच्छा सर्दी के चक्कर में स्कूल नहीं ले जाते? हाँ। तो मैं सर्दी ज्यादा लगती है? हाँ। ज्यादा सर्दी लगती है आपको? तो कितने कपड़े पहनते हो सर्दी में जैकेट? तीन। तीन जैकेट पहनते हो? नहीं। हाँ। अरे ये जैकेट है ये गर्म है और गर्म बनियान है। अच्छा इसके अंदर मिला के तीन पहनते हो आप? हाँ। तो कौन मारता है आपको, पापा या मम्मी दोनों? ओ गलती करता हूँ तब। अच्छा गलती करते हो तब जोर से कौन मारता है? पापा। बहुत जोर से मारते हैं? हाँ। ओ तेरी। चलो मैं आपको गिफ्ट देता हूँ अभी कुछ ना कुछ। क्या नाम है बेटे आपका? ललिता सौंद। कहाँ रहते हो? ग्वालियर में। क्या सुनाओगे? एक गाना और डांस।
सुनाओ गाना। गोपियों एक गाना सुनाएंगे। गाना सुनाओ ना, मैं भी लेता हूँ। क्या नाम है आपका? नैतिक। और आपका? आदि। दोनों भाई हो? अच्छा, क्या सुनाओगे आप? पोयम। और आप? गाना। सुनाओ पोयम। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मौता कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको सत्य ताकत दूंगी। टमाटर बोले मुझको खाओ के बहुत बड़े हो जाओ। वाह, वेरी गुड। और आप? राम जी का गाना। राम जी का सुनाओ। जो राम का लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम का लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा ले रहेंगे। भगवा तो दुनिया में फैर गया, क्योंकि भगवा तो हमारी हिंदुत्व की पहचान है। और राम को कौन ला सकता है? राम को कोई ला सकता है क्या? राम उल्टा लेकर आते हैं, आते नहीं आते हैं। तो राम को कौन लाएगा भैया? राम को तो, राम तो उल्टा लाए हैं हमको, है ना। जो राम मंदिर को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये तो अच्छा लगेगा। जो राम मंदिर को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये शब्द तो अच्छा है। जो राम को लाए हैं ये शब्द अच्छा नहीं है, है ना। राम मंदिर लाए। हाँ, वो आप गाओ। जो राम मंदिर लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, आप ठीक है, ये आपका बिल्कुल वेरी गुड। मैं भी गिफ्ट देता हूँ दोनों भाइयों को। नाम? मुस्कान। पूरा? मुस्कान सोन। अच्छा, और आपका? अनन्या कौशल। अच्छा, आप और आप दोनों सिस्टर हैं, छोटे बड़े हैं? वो चाची की लड़की है, छोटी है। वो छोटी है, आप बड़े हो, आप दोनों सिस्टर हो। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं ठाटीपुर। ठाटीपुर, क्या सुनाओगे? मैं डांस और सॉन्ग सुनाओ। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। मैं तो मर जाना है वो ना जो मिलने आए, मैं तो मर जाना है वो ना जो मिलने आए। सस मेरी है उनके हाथों में, याद पिया की आने लगी है भी। चलिए, वेरी गुड। आप क्या सुनाओगे? मैं राम जी का भजन सुनाओ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में। चलिए, वेरी गुड। विष्णु भगवान के अवतार हैं ना राम जी महाराज? या। और कन्हैया जी किसके अवतार हैं? वो राम जी के। वो राम जी के अवतार हैं? हाँ। अच्छा, विष्णु भगवान के अवतार राम जी हैं और राम जी के अवतार कन्हैया जी हैं? अरे वो भी विष्णु जी के अवतार हैं, तीनों एक ही हैं, है ना भाई। त्रेता और द्रौपद काल का केवल वर्णन है, मैं भी आपको और करता हूँ। आप दोनों भाई, क्या नाम है? सिद्धार्थ आर्य। आपका? दीप। अच्छा, आप क्या सुनाओगे? मैं तोता वाली कहानी। तोता वाली कहानी सुनाओ। तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, मीठे फल में खाता हूँ, फुल फुल कर उड़ जाता हूँ। वेरी गुड। और आप? मछली डलती लानी है, दीपन उत्ता पानी है, हार लता डल जाएगी बाहर निकालो। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? अरजान। किसके संग में हो? अच्छा, आप साथ में आए हो सब लोग? आप लोग सब लोग साथ में आए हो? क्या सुनाओगे? छोटी सी मुन्नी, छोटी सी मुन्नी, लाल गुलाबी चुन्नी पहुँची थी। हो गई, हो गई। चलो, आपका नाम क्या है बेटा? गोपाल सिंह। और आपका? मेरा राधिका सिंह तमाल। और आपका? आकाश सिंह। आप तीनों ब्रदर सिस्टर हो? नो, नो, हम दोनों। आप दोनों हो, आप मिलके गाना सुना रहे हो कोई? नहीं, मैं एक पोएम गाऊंगी। सुनाओ। गुनगुन करता रहता भौरा, फूलों पर मंडराता है, फूलों का रस पीने को ये बाग बगीचे दौड़ लगा। इंस्टाग्राम पर रील कैसे डालते हैं मालूम है आपको? हाँ। कैसे डालते हैं? अच्छा, इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं और इंस्टाग्राम की रील हम बना भी लेते हैं। हाँ। वो भी आती है आपको बनानी? हाँ। लेकिन आपको पोइम नहीं आती। ये कितनी गंदी बात है कि आपको पोइम आप भूल रहे हो लेकिन इंस्टाग्राम आपको याद है कि इंस्टाग्राम कैसे चलाना है। आपके यहाँ घर पे वाईफाई लगा हुआ है? इंटरनेट नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ। लेकिन सच्चाई ये, आप देख लीजिए, जितने बड़े लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपने वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये देखिए ना कि बच्चे उसका यूज क्या कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं। आगे चल के क्या होने वाला है, आप पेड़ को जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे पेड़ उसी डायरेक्शन में जाएगा। बड़ा होने के बाद अगर वो पेड़ आपने सही डायरेक्शन में लगाया फल देगा, और टेढ़े डायरेक्शन में तो टेढ़ा देगा। ये बात ध्यान रखिए आप, इंटरनेट का इस्तेमाल सही होना चाहिए।
आप बेटे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे ना, इंस्टाग्राम तो अपना व्यापार कर रहा है, आप मेरी बात सुनो, लेकिन आपको अगर आगे चल के कुछ लाइफ में करना है तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान। बट मैं इंस्टाग्राम चलाती ही नहीं हूँ। आपने तो बोला, मैंने ही तो आपसे पूछा, बना लेते हो आप, कोई भूल गए लेकिन आप वो नहीं बता पाए, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे आता तो है लेकिन मैं चलाती नहीं। कोई बात नहीं। कहाँ रहते हो आप? सागरताल। सागरताल, क्या सुनाओगे? नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य। ये नेशनल एंथम ही है ना, 100%। सोच लो आप। चलिए, नेशनल एंथम के आपके अनुसार नेशनल एंथम ही है ये, इसको कभी भी सुनाना चाहिए? हाँ, नहीं, नहीं। तो आपको कुछ और सुनाना चाहिए था, क्योंकि जब हम राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकते तो उसको कभी गाना भी नहीं चाहिए, हमेशा नहीं गाना चाहिए। राष्ट्रगान बजता है तो हमें हमेशा खड़ा हो जाना चाहिए, सावधान खड़े होना चाहिए, है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ ना? क्योंकि राष्ट्रगान जब होता है तो वो हमारे देश का सम्मान होता है। जब विदेश में हमारे देश के राष्ट्रपति आते हैं ना, तो उन्हें सम्मानित जो किया जाता है, राष्ट्रगान बजाया जाता है पहले। कौन सा वाला? जन गण मन अधिनायक जय। कभी भी उसको नहीं, आप गाओ मस्ती के गाओ। चलो मैं गिफ्ट देता हूँ। अरे वाह दूदू यानी, इधर आओ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? दोनों ट्वीन्स हो ना? अच्छा, आपको गाना आता है? इधर आओ, इधर ऐसे बगल बगल में आ जाओ। हाँ, टीवी पे देखते हो? मेला देखते हो ना? आप भी देखते हो? अच्छा, ये दोनों ट्वीन्स है? हाँ। अच्छा, कितने साल की हो गई हैं? ये 3.5, 3.5 साल की। 3.5 साल की हो गई है। स्कूल जाते हो आप? हाँ। अरे वेरी गुड, आप भी जाते हो? आप किस क्लास में हो? नर्सरी, बता दो। बोलो ना, आप किस क्लास में? अच्छा आप बताओ, सुना दो जॉनी जॉनी। आपको पोइम आती नहीं है मेरे ख्याल में? आती है पोइम? आती है, सुना दो जॉनी 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 वाली आती है क्या? सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। जॉनी जॉनी वाली आती है? ओहो, सुनाओ जोर से, सुनाओ जोर से, सुनाओ इसमें आवाज आए। हाँ, जॉनी जॉनी या पापा, इतने जरा ना पापा, टाइम राइट ना पापा, अपन नंबर पापा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं गिफ्ट दूंगा आपको। आपका नाम? माय नेम इज दक्षिता तिवारी। आप तीनों एक साथ हो क्या? यस। भाई बहन हो? कजन सिस्टर। कजन है। और कहाँ रहते हो? गोले के मंदिर। गोले के मंदिर। और आप? आजाद नगर। अलग अलग जगह रहते हो? हाँ। लेकिन एक साथ आए हो? हाँ। आप क्या सुना रहे हो? सॉन्ग अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, मारी आँखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम, युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, हर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतोगी अखियों से छलकाए प्रेम अनु राग जी, सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। ये अवध में आए राम, अकेले अवध में नहीं आए थे राम जी इस बार? हाँ, जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं ना, वहाँ वहाँ राम आए थे। पूरा हिंदुस्तान उस दिन अयोध्या बना हुआ था। बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। पूरा हिंदुस्तान, हर घर हर गली, हर गल हर गरी, हर जात हर धर्म के लोग भगवान राम का स्वागत कर रहे थे, कर रहे थे ना? ऐसे लोगों को प्रणाम जिन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान को हिंदू में किया। अरे सॉन्ग हम दोनों सुनाएंगे मिलके। अरे वेरी गुड। हम भारत माँ की संताने है, शीश झुकाना क्या जाने, धरा उठा ले गगन झुका दे, उठे चले सीना ताने। हम भारत माँ की संताने, शीश झुकाना क्या जाने, हम ही कृष्ण का चक्र सुदर्शन, हम अर्जुन के तीर है, ध्रुव प्रहलाद भरत के भाई, हम अभिमन्यु वीर है, हम अभिमन्यु वीर है, हम
हंसते हैं तूफानों में, रोना धोना क्या जाने, धरा उठा ले गगन झुका दे, उठे चले सीना ताने, हम भारत माँ की संतान है, शीश झुकाना क्या जाने। वेरी गुड, बहुत शानदार है, एक फ्लो में आपने सुनाया है। आप भी प्रोग्राम देखते हैं? इस साल का देखना शुरू कर दिया है? देखा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलो मैं कोई ना कोई गिफ्ट आपको जरूर। अंकल नमस्ते। अंकल हेलो। अंकल नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आई लव यू। डिप्स लगा के दिखा रहा हूँ अंकल, डिप्स। अब आपको पोयम सुनाने आए। पोयम? अंकल आई स्पाइस, आप आउट हो गए। आप छुपन छुपाई खेल रहे थे? अच्छा, तो बता तो देते। अरे हम आकर ऐसे सरप्राइज देते धप्पा करके। धप्पा मार दिया आपने? वो डॉक्टर ने बोला है पेड़ों के आसपास रहो, ऑक्सीजन मिलेगी तुम बच्चों को, हम पेड़ उठा लाए। अच्छा, दिन भर ऑक्सीजन लेते रहते हो? दिन भर ऑक्सीजन लेते रहते हो। अच्छा, और जो ज्यादा उंगली करता है ना, बैग खोल दो और कहते हैं छोटे से बच्चे गन लेके घूम। अरे अंकल तो क्या हुआ कि गन के बच्चे नहीं रख सकते क्या? थी चौपटी को पापड़, पापड़। हाँ, तो इसी के पैसे थे वो। अरे हाँ, मेरे पैसे की चौपटी गाली, पापड़ गाली, अब मैं क्या करूँ? मम्मी मारेगी मुझे। हाँ, मम्मी मारेगी। मम्मी क्यों मारेगी भी तेरे को? 13 रुपए दिए थे। 13 रुपए दिए थे पहले घूमने को, फिर दी किचन का कुछ सामान ले आना तुमने, यार चौपटी गाली। बिल्कुल। अबे मम्मी है क्या मधुमक्खी है? 13 रुपए में कौन सा सामान आता है पागल? 13 रुपए में 10 रुपए का बर्तन धोने का साबुन, मुझे धोने पड़ते घर पे बर्तन। तो पापा के लिए मंगवाती ना तेरी मम्मी? नहीं, मुझे धोने पड़ते हैं, पापा मम्मी है, घूमने जाते बर्तन कपड़े मैं धोता हूँ। अरे बाप रे, एक काम कर भाई, मुझसे गलती हो गई, पोएम सुना दे अंकल को। पोएम क्या है? तुम मेरे पैसे तो चले ना, ढंग से पोएम यार। पैसे दे मेरे को। नहीं, ये मेरे पास पैसे, पैसे पोएम सुना अंकल को पहले। क्या कर रहा है ये? सॉरी अंकल। अरे अंकल एक मिनट, ये तंबाकू भी खाता है तू? नहीं, तंबाकू नहीं दिए। अरे तंबाकू नहीं दिए, क्या था ये बताना बे? एक्सप्रेशन अंकल, इंगोली इंगोली गैस पास करने वाली। अबे ये किसके, कौन खाता है इंगोली? अरे अंकल आदत पड़ गई है ना। किसने की? किसने की? तंबाकू? नहीं, हाँ तब नहीं, नहीं वो घर वालों को देख देख के घर वाले करते हैं। मम्मी खाती है मेरी। अंकल अंकल, इससे बोलो मेरे पैसे दे, मम्मी मेरे को मारेगी बहुत। मम्मी मारेगी? मम्मी मारेगी मेरे को। मम्मी, हम तीन भाई बहन हैं। मम्मी
पैसा तो दे दो। अरे पैसे अपने थोड़े खर्च हो गए अंकल, कौन सो रहे हैं, पैसे खर्च हो गए, हम कहां से दे दें। तो किसी ने बच्चे का छीन लिया तुमने 13 रुपए। अरे मैंने थोड़ी छीने, मैं तो उनके साथ आया हूँ। बेकार में वो बोल रहे तुम्हारे 13 रुपए छीन लिए। मैं इनके ये मम्मी है मेरी। अबे पहले जो मम्मी थी अब वो मम्मी हो गई, मम्मी बदलता है तू। ये मम्मी है, पहचानने में दिक्कत हो गई है, पहचानने में थोड़ी कंफ्यूजन हो गया। बेकार में कुछ भी, चल बच्चों को रुला रहे हैं यहाँ पे। रुला थोड़ी रहा अंकल, मैं खुद बच्चा हूँ, 3 साल का हूँ अभी। चेक कर लो आप, ये देखो तिले मेरे पे इतना बड़ा यहाँ पे। पद्मश्री चाय से एक आपके लिए रखो बेटे, आप दोनों भाइयों के लिए है, एक आपके लिए रख लो। पद्म, आप दोनों सिस्टर हैं है ना, आप दोनों के लिए एक साथ में दे दूं। चलिए एक आपके लिए रख लो पद्मश्री चाय से, एक आप दोनों ब्रदर्स के लिए पद्मश्री चाय से रखो, एक आप दोनों के लिए रख लो पद्मश्री चाय से, आपके लिए है, एक आपके लिए भी है पद्मश्री चाय, सॉरी RRD कंपनी से, आपके लिए है पद्मश्री चाय से, आप दोनों के लिए रख लो पद्मश्री चाय से है, रखो आप दोनों के लिए पकड़ो, आपके लिए है पद्मश्री चाय से। एक एक और आप सबके लिए मैं देता हूँ। पापा की परियों वाला शोरूम कौन सा है? विशाल फर्नीचर, जोर से बोलो विशाल फर्नीचर, पापा की परियों वाला शोरूम। एक आपके लिए रखो विशाल फर्नीचर से, एक आप दोनों के लिए और रखो, आपके लिए भी है, एक आपके लिए रखो बेटे विशाल फर्नीचर से, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है विशाल फर्नीचर से, दोनों के लिए, एक आप दोनों के लिए है, आपके लिए विशाल फर्नीचर से है, एक आपके लिए भी रखो बेटे विशाल फर्नीचर, पापा की परियों वाला शोरूम, एक आपके लिए पापा की परियों वाला शोरूम, विशाल फर्नीचर से आपके लिए। बॉम्बे नॉवल्टी के पैलेस बलवीर भाई की शॉप से आप दोनों के लिए रखो, एक आप दोनों के लिए है बॉम्बे नॉवल्टी की पैलेस से, एक आप दोनों के लिए है, एक आपके लिए है। आप अकेले हो, किसके साथ में हो? अच्छा एक आपके लिए रख लो बॉम्बे नॉवल्टी के पैलेस से, एक आपके लिए, आप दोनों भाई हैं, भाई बहन, एक आपके लिए, आपके लिए है, एक आप दोनों के लिए है, और एक आपके लिए रखिए बॉम्बे नॉवल्टी के पैलेस से। ये अनेजा मॉल से रखो बेटे, एक एक आपके लिए है, एक आप दोनों के लिए रखो, एक आपके लिए भी रखो अनेजा मॉल से है, आप दोनों के लिए, एक आपके लिए है, आप दोनों के लिए है, एक आपके लिए अनेजा मॉल से रखो, एक आप दोनों के लिए अनेजा मॉल से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी रख लो बेटे अनेजा मॉल से है, आप दोनों के लिए है, और एक आपके लिए अनेजा 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 मॉल से है। एक एक और आप सबके लिए श्री अचलेश्वर CNC राउटर,
श्री अचल सीएनसी राउटर एवं इंटीरियर डिजाइन है, एक आपके लिए रख लो, एक आपके लिए भी है, दोनों के लिए है। अक्सर आपने देखा है इंटीरियर हम लोग घर पे कराते हैं, घर पे हम लोग इंटीरियर कराते हैं ना, उसके लिए मैं केवल एक चीज़ बोलूँगा, वास्तु के अनुसार अगर आप कर इंटीरियर कराना चाहते हैं घर में, दुकान पे या कहीं भी ऑफिस में, तो एक बार डिजाइन समझ के देखिए, हो सकता है आप कहें कि हाँ वास्तु के अनुसार। एक आपके लिए है बेटे, एक आपके लिए भी रख लो, श्री अचलेश्वर सीएनसी रखो, एक आप दोनों के लिए है, आपके लिए श्री अचलेश्वर सीएनसी राउटर एवं इंटीरियर डिजाइनिंग, आप दोनों के लिए बेटे, एक आपके लिए है, एक आप दोनों के लिए ब्रदर सिस्टर के लिए रख लो, श्री अचलेश्वर सीएनसी राउटर से आप दोनों के लिए है और एक आपके लिए भी है। तो हाथ खड़ा करेगा मैं आ जाऊँगा, पद्मश्री चाय बताइए। आरआईटी कंपनी पद्मश्री चाय हर दुकान में मिलती है नया बाजार, एक आपके लिए रखो। रिजुल फर्नीचर कौन से नंबर छतरी पे लगा हुआ है बताओ? एक नंबर छतरी पे लगा है, एक नंबर। कोई और बताएगा रिजुल फर्नीचर, मैं उसको बड़ा गिफ्ट दे दूंगा, बताओ। छतरी नंबर 4। नहीं, मैं कैंसिल करता हूँ, एक आपके लिए, छतरी नंबर 7, 1 और 7 के बीच में है, आप रखते जाइए रिजुल फर्नीचर से, एक आपके लिए, आप दोनों के लिए है, एक आपके लिए, आप दोनों आपके लिए, एक आपके लिए, आप दोनों को बेटा एक साथ, एक आपके लिए रखो, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है रिजुल फर्नीचर से, एक आपके लिए है, आप दोनों के लिए, नहीं लड़ना नहीं, एक आपके लिए रिजुल फर्नीचर से। स्मार्ट पसंद, जोर से बोलो, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर, एक आपके लिए रखो बेटे, गोल्डन लाइफ से, आपके लिए भी रख लो, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से है, आपके लिए है, गोल्डन लाइफ से है, आपके लिए है, गोल्डन लाइफ से, एक आप दोनों के लिए रख लो, गोल्डन लाइफ से है, आपके लिए गोल्डन लाइफ से है, आपके लिए भी है, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से रखो बेटे, एक आपके लिए है, अच्छा हाँ दोनों, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है बेटे गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए भी है। अनेजा मॉल देखा है आपने? अनेजा मॉल मोर बाजार नहीं गए हो अभी तक आप? हाँ हाँ हाँ, आप गए हो जी? कैसा है शोरूम? बहुत अच्छा है। पक्का? हाँ पक्का। खरीदारी की है? हाँ, सूट लेके आए थे 4,000 का दोनों के लिए। पक्का? हाँ, पक्का। मतलब एक्सक्लूसिव था? हाँ, थोड़ा सा बहुत अच्छा है, अच्छा यूनिक कलेक्शन है, काफी साड़ियाँ वगैरह काफी, इधर उधर परेशान होने से अच्छा है वहाँ जाके। और आओ मेला चलेगा, अगर नाम ले लेते ना तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाता। अरे वाह, कोई बात नहीं, मतलब टीवी में बताता हुआ आ रहा हूँ। एक आपके लिए अनेजा मॉल से रखो बेटे, एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से है, आपके लिए अनेजा मॉल से रखो, एक आपके लिए बेटे अनेजा मॉल से रखते जाओ, एक आपके लिए अनेजा मॉल से है, आपके लिए भी है बेटे पकड़ो, आपके लिए अनेजा मॉल से रखो, आपके लिए भी है, एक आपके लिए अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए है और एक आपके लिए भी अनेजा मॉल से है। बच्चों का टाइमिंग, टाइम का ध्यान रखिए, बच्चे टाइम पे आएंगे, इंटरव्यू में शामिल होंगे 12:30 बजे, छती नंबर 2 पर बैठ जाइए। कहाँ आना है मैं साथ लेकर आऊँगा, छतरी नंबर 2 12:30 बजे बच्चों का। चलते हैं यहाँ से सीधे विशाल फर्नीचर विंडो कूलर शोरूम के अंदर। तो ये है दोस्तों विशाल विंडो कूलर्स के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये डबल बेड की यहाँ पर इनके यहाँ रेलगाड़ी है, ये लाइन से आप जो देखते जा रहे हैं ये डबल बेड्स हैं, अलग अलग डिजाइन में हैं, अलग अलग कलर्स में हैं और साथ में इसके ऊपर जो गद्दे लगे हैं वो रिफ्रेश कंपनी के ये गद्दे हैं, रिफ्रेश कंपनी यानी रिफ्रेश मैट्रेस, जो जांचा परखा गया है और सही मायने में आपकी बॉडी के अनुसार ये पूरा का पूरा एक पूरा रूम सेट है जो आप देख रहे हैं, जिसमें ड्रेसिंग है, वार्डरोब है और साथ में डबल बेड है ये, और यहाँ पर ये डबल बेड की यानी रेलगाड़ी है, विशाल फर्नीचर है ना, जैसे कूलर अलमारी की रेलगाड़ी चलती है ठीक वैसे ही इनके फर्नीचर की रेलगाड़ी चलती है। ऐसा मान के चलिए कि जितना 50 दुकानों के अंदर आपको फर्नीचर मिलता है उतना अकेला फर्नीचर आपको विशाल फर्नीचर के यहाँ मिल जाएगा, यानी रेलगाड़ियों वाला ये शोरूम कहा जाता है विशाल फर्नीचर, एक से एक यहाँ पर आपको मिलते हैं लग्जरी गद्दे और साथ में देखेंगे आप ड्रेसिंग टेबल, ये इनकी रेलगाड़ी है, ड्रेसिंग टेबल की भी रेलगाड़ी और सब कुछ फाइनेंस पे उपलब्ध है। अक्सर जब हम बात करते हैं बिटिया की शादी होती है या घर में किसी की शादी है, हम चाहते हैं कोई एक ऐसा फर्नीचर प्लान करें जो सालों साल साथ निभाए, यानी फर्नीचर दिखने में अच्छा हो,
दिखने में अच्छे होने के साथ साथ ड्यूरेबल हो। तो मैं कहूँगा एक बार कोई भी फर्नीचर लेने से पहले एक बार विशाल फर्नीचर पर आप आए ज़रूर, क्योंकि ये पापा की परियों वाला शोरूम इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपनी बिटिया को सामान देते हैं फर्नीचर का, वो सामान आपने पूरा पैसा खर्च किया, आपने किसी मिलने वाले से ले लिया, जब वो बिटिया के घर जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो चार बातें सुनने को बिटिया को मिल जाती है। पैसा आपका पूरा जा रहा है तो फिर कोई चीज़ सामान ऐसा दीजिए ना कि बिटिया की ससुराल में जाके लोग बोलने लगे कि हमारी बहू सामान बहुत अच्छा लाई है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। उस सामान पे उस बेटी के सास ससुर की नज़र पड़े, वो धीरे से कहते हैं कि बेटा ये हमें दे दो, समझ रहे, जब आपकी तारीफ होगी। ये सारे फायदे देखिए ग्वालियर व्यापार मेले में, किस्तों पे चाहते हैं, फाइनेंस सुविधा यहाँ पर चाहते हैं वो भी उपलब्ध है। आपके यहाँ शादी मई जून में भी है, आइए बुक करिए और बुक करके ये डिज़ाइन देखिए, क्योंकि डिज़ाइन एक साथ आपको यहाँ मिलेगी रेलगाड़ी विशाल फर्नीचर पर, ये मिलेगा आपको ग्वालियर के व्यापार मेला छतरी नंबर एक पर, शहर में इनका झिंसी नाला ऊँट पुल सीधा सीधा एक ही एड्रेस है विशाल फर्नीचर। लेकिन ग्वालियर के मेले में एक बहुत बड़ा मेला फर्नीचर का मेला, जहाँ मैंने बताया ना 50 दुकानों का फर्नीचर एक शोरूम में मिल जाएगा, विशाल फर्नीचर छतरी नंबर एक पर। चलते हैं यहाँ से ब्लू स्टार शोरूम के अंदर, निस्का सेल्स छतरी नंबर, भीनी भीनी हल्की सी गर्मियों की शुरुआत अभी है नहीं है, पूरा फरवरी सर्दी जरूर पड़ेगा लेकिन गर्मियों की तैयारी पहले से, वो भी ब्लू स्टार के साथ। क्यों डिफरेंट माना जाता है ब्लू स्टार अदर्स कंपनी के मुकाबले? सर अदर कंपनी के मुकाबले ऐसे माना जाता है कि ये 80 साल पुराना ब्रांड है, और कमर्शियल ब्रांड है, 80 साल से ओनली कूलिंग प्रोडक्ट बनाता है अपना, केवल कूलिंग प्रोडक्ट ही बनाता हुआ आ रहा है। हाँ अच्छा, कूलिंग प्रोडक्ट, और जो हमारे देखे होंगे जहाँ तक भी हमने सारी डेयरियाँ उनमें डीप फ्रीजर वगैरह मतलब एसी इनमें सब, इसमें जो नॉन इन्वर्टर मॉडल आता है किसी भी कंपनी में देख लो उसकी कूलिंग कैपेसिटी, तो इसकी सबसे ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी मिलती है इन्वर्टर मॉडल में, नॉन इन्वर्टर में और इन्वर्टर। अच्छा में अच्छा, ये नॉन इन्वर्टर कूलिंग है इसकी। इसके अंदर जो मैं पूछूंगा, जैसे आइए मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये हम इसको ओपन करते हैं। ये ओपन करने के बाद इसके अंदर जो, जैसे ये जाली लगी हुई है, ये इसके अंदर जो कॉइलिंग होती है, ये आप देख रहे हैं ये अंदर जो ये कॉइलिंग है, ये कॉइलिंग एल्युमिनियम है या कॉपर? 100% कॉपर मिलेगी, पूरी एसी कॉपर की मिलेगी आपकी 100%। अच्छा, अक्सर क्या होता है आप एसी जब खरीदते हैं आपको रेट में कहीं कम जरूर मिल जाएगा, लेकिन वो रेट जो कम मिला है उसका 2-3 गुना पैसा आपका बाद में खर्च होने वाला है। उसका कारण है ये अंदर की जो कॉइल है, आप देख रहे हैं टोटल कूलिंग इसके अंदर चलती है, टोटल कूलिंग ये इसके अंदर चलती है, और ये एल्युमिनियम की होने की वजह से ये कभी कभी वस्त हो जाती है, और जब जैसी वस्त हुई समझ लिए कि आपके एसी ने वर्किंग करना बंद कर दिया। फिर जब आप कंप्लेंट के लिए करते हैं, प्राइवेट कहीं से उतरवाते हैं, तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आ जाता है। आपने फ़ायदा उस वक्त लिया केवल 2-3 हज़ार रुपये का, लेकिन आपका खर्चा तो 3-4 गुना आपका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। राइट, इन्वर्टर मॉडल भी है अपने यहाँ? हाँ, इन्वर्टर मॉडल्स में क्या डिफरेंट है? इन्वर्टर मॉडल में कूलिंग कैपेसिटी होती है वो हाईएस्ट मिलेगी आपको, जो कि आप रियल में 5-10 एसी होता है, और साथ में 5-in-1 कन्वर्टेबल मिलेगा, और वारंटी मिल रही है अपने यहाँ 10 साल कंप्रेसर, 5 साल पीजी, 1 साल फुल एसी की वारंटी, कंप्रेसर की 10 साल गारंटी, 10 साल वारंटी मिल रही है, और 5-in-1 कन्वर्टेबल भी आ रहा है, आप इसको एसी को 1.5 टन का एसी है 1 टन पे भी चला सकते हो। अच्छा, और टर्बो कूल आ रहा है, जैसे कि सपोज 2 लोग हैं रूम में, इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, 4 लोग और आ गए, तो उसके हिसाब से भी आप इसको टर्बो कूल पे कर सकते हो, तो इंस्टेंट कूलिंग मिलेगी, तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5350 वाट तक भी चली जाएगी। ये तो मतलब ये लेटेस्ट फीचर है। तो एक्सचेंज स्कीम चल रही है कोई? एक्सचेंज स्कीम चल रही है, पुराना एसी लाओ नया ले जाओ। और अभी मेले में फायदे क्या क्या हैं? मेले में आपको इंस्टॉलेशन का फायदा मिल रहा है, इंस्टॉलेशन का चार्जेस ज़्यादा था वो कम में देना पड़ रहा है आपको मेले, और हमारे यहाँ गिफ्ट भी मिल रहा है हमारे कस्टमरों के लिए। चलिए देखिए, ये एक्चुअली ब्लू लाइन 80 साल से ये जाना पहचाना ब्रांड है, और बड़े बड़े मॉल्स आपने देखे होंगे, इवन मेट्रो स्टेशन तक जो होते हैं वहाँ पर ये यूनिटें लगती हैं, वो आपको ज़्यादातर मिलेंगी ब्लू लाइन की। ब्लू लाइन ये जांचा परखा नाम है, पुराना एक नाम है। सबसे बड़ी बात, जैसा यहाँ निस्का सेल्स के संचालक दीपेश अग्रवाल जी ने बताया था कि गुड्डू भैया आप रूम में 2 घंटा अगर आपने एसी चलाया, रूम को आपने उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, फिर आप टाइमर लगा के एसी बंद कर दीजिए, अगले 6 घंटे आप फैन चला के रूम में आपको वही कूलिंग प्रॉपर मिलेगी।
तो ये बेटर है, मतलब बिजली से भी आपकी बचत होने वाली है, बिजली का बिल कम होने वाला है आपका। और एक प्रोडक्ट ऐसा, एसी के अंदर सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कंप्रेसर की, तो 10 साल आप लेके भूल जाइए, क्योंकि 10 साल तो कंपनी ने गारंटी ले रखी है। इसका कंप्रेसर ख़राब होता है आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी कंपनी का एसी, तो मैं कहूँगा सावधान हो जाएं, पहले आएँ देखें, चारों तरफ देखें, फिर कंपेयर करें फ़ायदा और फ्यूचर फ़ायदा किस में है। ये निस्का सेल्स के यहाँ ब्लू लाइन के पंडाल में मिलेगा, छतरी नंबर 3 बाबा सूप के ठीक सामने मिलेगा आपको ब्लू लाइन का ये निस्का सेल्स का शोरूम। यहाँ से सीधे बाबा सूप कॉर्नर अमेरिकन सॉफ्टी सेंटर पर। कल तो बहुत प्यार था, बहुत भीड़ थी आपके मंगलवार को। जी बिल्कुल, कल ग्राहक आए और उन्होंने यही कहा कि गुड्डू भैया ने कहा है कि 10 सूप पे 1 सूप फ्री दोगे। मैंने बिल्कुल सही है। तो लगभग कल कितने फ्री चले गए होंगे पूरे दिन भर में? कल कम से कम नहीं तो 20 सूप फ्री गए हमारे। 20 सूप फ्री गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पक्का। और स्वाद अब मैं पूछूंगा, स्वीट कॉर्न सूप आपका ज्यादा बिका है या टमाटो सूप ज्यादा बिका है? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा इतना अच्छा है कि दोनों ही बराबर टक्कर दे रहे हैं इस समय। बहुत अच्छा। ये आपके नूडल्स भी ऐसा चल रहा है हमारा कि एक बार ग्राहक आता है, ग्राहक कहता है गुड्डू भैया इनका तो कह दिया 10-10 का, इनका मैं 10 ये भी लो, 10-10 पे ये भी फ्री है एक। यहाँ आप आते हैं, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, 10 लोग हैं, आप 10 सूप लेते हैं, तो 1 सूप आपको बिल्कुल यहाँ पर फ्री मिलेगा, 1 सूप बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। साथ में यहाँ मिलेगी आपको अमेरिकन सॉफ्टी यहाँ आपको बिल्कुल। ये भी कौन कौन से फ्लेवर हैं सर? चॉकलेट है, वनीला है, पिस्ता है, स्ट्रॉबेरी है, और तीनों का मिक्स है। एक मिक्सअप भी है, ये सब कुछ आपको मिक्सअप मिलेगा। छतरी नंबर 3 पर मिलेगा आपको बाबा सूप कॉर्नर, 10 सॉफ्टी पर 1 सॉफ्टी भी फ्री है, 10 सूप पर 1 सूप फ्री। छतरी नंबर 3 बाबा सूप कॉर्नर। क्या नाम है आपका? रवि कौशल। कहाँ रहते हो कौशल? मैं सब केलारस में। केलारस? जी सर। केलारस से ग्वालियर मेला देखने आए हो? बिल्कुल। शो देखते हो आप केलारस? 2018 से देख रहे हैं सर। कहाँ पे? यूट्यूब पे? हाँ। ये फायदा हो गया है, यूट्यूब से आप कहीं भी हो शो आपका मिस नहीं होता। जी तो क्या सुना रहे हो आप? मैं सर एक फनी न्यूज सुना रहा हूँ सर। आज सबलगढ़ के राम मंदिर चौराहे पर एक मच्छर और रिक्शे में टक्कर हो जाने से मच्छर की कमर की हड्डी को फ्रैक्चर बताया है, जिसे वायु प्लन तुरंत अमेरिका भेज दिया गया है। केवी सूट के होटल पर एक चाय पीता हुआ आदमी नजारा देखकर चाय के ग्लास में घुस गया, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। भोपाल के बड़े तालाब में आग लग जाने से सारी मछलियां और मगरमच्छ पेड़ पर चढ़ गए हैं। लगातार 45 घंटे पेड़ छिड़कने से आग को काबू में किया जा रहा है। खबरों के अनुसार बताया जाता है कि तालाब के ठेकेदार को आग लग जाने से लगभग 10 लाख रुपये का फायदा हुआ। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में गोलगट्टे में लकड़पट्टे में भारत ने पहले ओवर में 365 रन का स्कोर खड़ा किया है, लेकिन श्रीलंका पहले बॉल में आउट हो गई। संवाददाता का कहना है कि अंतिम मैच कल होगा। अंत में मौसम की जानकारी, आज रात का तापमान 0°C रहेगा। 12 बजे हल्के मरे गर्म पानी के छींटे पड़ेंगे। 3 बजे चांद और तारों की बारात निकलेगी। सुबह 4 बजे अपने छतों पर मुँह खोल खोल सुबह जाना कौन सा रसगुल्ला आपकी मुँह की प्रतीक्षा कर रहा होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। आपके सबलगढ़ में तो केलारस से हो ना? सबलगढ़ में तो बहुत सारे श्याम प्रेमी है, तो श्याम प्रेमियों का वो वहाँ खजाना हो गया है। चलिए मैं गिफ्ट देता हूँ आपको। हाँ साहब, सबसे पहले तो आपको जय श्री राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं गणपतलाल बाथम। अच्छा, और आप? गीता बाथम। दोनों पति पत्नी हो गए आप? जी हाँ जी हाँ। और कई सालों से हो गए? 35 साल हो गए। 35 सालों से पति पत्नी हो। बहुए वगैरह को भी लाते हो मेले? बहु बेटे अलग आते हैं हमारे साथ। अलग आते हैं? बिटिया आई थी पिछले, बहू आई थी पिछली बार। अच्छा, तो आप आए नहीं थे। ओके, तो इस चक्कर में मैं 28 से आया हूँ, लेट आया हूँ। इस बार माँ के प्यारी कृपा से 27 नवंबर को बेटे की शादी हो गई। अरे वेरी गुड, सब बहुत अच्छे से निपट गया। चलिए अब मिलके क्या सुना रहे हैं आप लोग? मैं 2 लाइन सुना रहा हूँ, जो अभी अपने राम मंदिर बना है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई, हम सब मंदिर वहाँ, मंदिर राम का वहाँ बना, अयोध्या पूरा देश हो गया, पूरा देश, हम सबके संपूर्ण भारतवर्ष के आराध्य भगवान श्री राम का। एक गाना है कि राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी। अब राम आएंगे किसके घर? राम उसके घर आएंगे जो बेटा अपने माता पिता की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाता है, या जो बेटा आज अपने माता पिता की बात मानता है, राम उसके घर आएंगे। राम उसके घर आएंगे जो अपने भाई की खातिर अपना राजपाट त्याग कर 14 वर्ष तक उनके खड़ामू रखकर उन राजपाट करता है, राम उस भाई के घर आएंगे। राम उस पति के घर आएंगे जिसने अपनी पत्नी के मान सम्मान के लिए रावण जैसे महाबली की सेना के सामने मुकाबला किया और अपनी माँ पत्नी को मान सम्मान के साथ भगवान श्री राम अयोध्या लेकर आए। भगवान राम उनके घर आएंगे
जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। बहुत शानदार संदेश, ये हकीकत में शानदार संदेश है। भगवान रामचंद्र जी माँ के कारण पूजे गए, भगवान कन्हैया माँ के कारण पूजे गए। अगर माँ नहीं बोलती, क्योंकि माखन चुरा के क्यों खाता है, तो माखन चोर नहीं कहलाते। उसके बाद बाबा श्याम, वो भी हारे का सहारा माँ के कहने पे गए थे। हनुमान जी मंजिली के लाल, मंजिली के लाल। तो जो माँ की सेवा करता है उसके राम क्या घनश्याम भी आते हैं और बाबा श्याम भी आते हैं। उनको तो कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि साक्षात देवी उनके साथ रहते हैं, माता पिता। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज, मैं आप दोनों को कुछ ना कुछ उपहार दूंगा। कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया, नहीं कर दिया? इंतजार कर रहे थे आप। अच्छा, तो ठीक है, आप भी सुनाएंगे भैया। हाँ, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। धनुष साथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु। चलिए, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। और बहुत मंदिर भी ऐसा बना है कि हमारा एक तीर्थ धाम और तैयार हो गया है। चलिए, एक अभितर से, क्या नाम है आपका? सासी बीसी। सासकीय बीसी, सासी बीसी। अच्छा, सासी बीसी, सासी। अच्छा, एसएचआई। ओके ओके। कहाँ से आए आप? हम नेपाल काठमांडू से आए। काठमांडू नेपाल से? प्रॉपर नेपाल से ही है आप? प्रॉपर नेपाल से। तो किसके आए, कौन है? ये मेरी बहन है। आपका सिस्टर है? सिस्टर। बड़ा सिस्टर है आपका? छोटा सिस्टर। छोटा सिस्टर है आप? बड़ा सिस्टर? ये छोटा सिस्टर, आप बड़ा सिस्टर? ऐसा कैसे हुआ है आप छोटा? आप ये तो अपोजिट हो गया, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया। एक साल से जे बड़ी है वो, ये कहते हैं ये मम्मी है या बहन है। मेरे से एक साल बड़ी है। अरे, एक साल तो बड़ी है, दोनों माँ बेटी लग रही है। लेकिन आप बड़ी है, लग माँ बेटी रही है, लग रही है माँ बेटी लग रही है। चलिए, नेपाल से आप आए हैं, आप मेला एंजॉय कर रहे हैं? हाँ हाँ। तो कैसा लगा आपको ग्वालियर का मेला? अभी तो बहुत देख रहे हैं, अभी जस्ट आए हुए हैं। इंडिया में कब आए आप? चार पांच रोज हुआ। चार पांच रोज हुआ है। तो हमको पता चला कि यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, तो बहन के साथ चली आई। ऐसा है, कोई नेपाली गाना सुना दीजिए आपको। नेपाली गाना? पहले नेपाली सुनाऊंगी, उसके बाद हिंदी सुनाऊंगी। पहले नेपाली फिर हिंदी। हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है, माइक मेरे पास रहेगा। कुटुमा कुटु सुपड़ी दाना, कुटुमा कुटु, कुटुमा कुटु सुपड़ी दाना, कुटुमा कुटु। अब हो गया, हो गया। ये क्या? अब हिंदी सुनाएंगे। हिंदी भी? हाँ, हिंदी भी। मेरा नाम चिन चिन चिन, एक्सप्रेशन के साथ, ना ना, एक्सप्रेशन के साथ। हाँ, वैसे ही राइट। हाँ, मेरा नाम चिन चिन चिन, चिन 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 बाबा, चिन चिन चिन। रात की चांदनी में अड़ तुम, हेलो ग्वालियर, हाउ डू यू डू। वाह 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 वाह, बहुत शानदार है। एक और कोई हिंदी गाना आता है हमको ऐसा? हाँ, आता है। तो अब एक और हिंदी गाना है, क्या सुना है जो आपको अच्छा लगता हो? ये तो मेरा नाम चिन, सायरा बानो ने ये फिल्माया था, है ना? शायद सायरा बानो जी का था। चलिए, बहुत शानदार है, मैं आपको अभी गिफ्ट भी दूंगा। अभी आप अपना ये जो शो है आप नेपाल भी देख सकते हैं। ठीक है, हम देख, ठीक है ना, यूट्यूब से आप नेपाल भी देख सकते हो। मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रजापति। कहाँ रहते हैं? लतपुर कॉलोनी। अच्छा, तो मेला घूम रहे हैं, क्या सुनाएंगे आप? भोले बाबा का भजन। भोले बाबा का भजन सुनाइए। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। कान भोले के कुंडल विराजे, कान भोले के कुंडल विराजे, बिच्छू ततैया लट कहिया। जय भोले भंडारी। बहुत शानदार है, बहुत। टीवी पर देख रहे हैं आप? देख रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? वर्षा। कहाँ रहते हैं आप? ग्वालियर। ग्वालियर किस जगह? नई सड़क। नई सड़क रहते हैं। तो टीवी पे देखना चालू कर दिया मेले का? देखती हूँ। देखते हैं आप, क्या सुना रहे हैं आप? भोले बाबा का भजन। भोले बाबा का भजन। चलिए,
मन को मंदिर बना के बाती जला दी है शिव नाम की, भोले बाबा मेरे है, मैं बेटी माँ काल की। ये कौन है आपकी? तो साथ में नहीं, साथ में नहीं है। आप साथ में नहीं है? अच्छा, अलग अलग है। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम सपना है। कहाँ रहते हैं आप? गणेश कॉलोनी। गणेश कॉलोनी, आप क्या सुनाएंगे? मैं राम भजन। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, औरे चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, हो त्यागी भरत जैसा। चलिए, बहुत 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 शानदार है। गणेश कॉलोनी कहाँ पे है ये? चार शहर के नाके के पास। चार शहर के नाके पे प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया टीवी पे? अच्छा लग रहा है इस साल का भी? हाँ, अच्छा लग रहा। पक्का लग रहा है कि अच्छा इस साल का? अच्छा, मतलब थोड़ी सी कॉमेडी अलग चालू हो गई है, नए कलाकार आपको हंसा रहे हैं, पुराना तो है ही बब्बर शेर है ग्वालियर का। चलिए, क्या नाम है आपका? हर्षिता। कहाँ रहते हो? नई सड़क। नई सड़क, आप नई सड़क इनके साथ में हो गए? नहीं, इनके साथ में। कौन है ये? ये दीदी है मेरी। ये दीदी है आपकी? अच्छा, तो इनकी कहाँ ससुराल? नई सड़क। नई सड़क, हम धौलपुर के रहने वाले हैं। धौलपुर के रहने वाले? धौलपुर के रहने वाले हो आप? नई सड़क पे आके रह रहे हो? नहीं, अरे आपके आई है, धौलपुर की है ना, तो धौलपुर की बोलो ना, धौलपुर से आए हैं। नई सड़क बोलो, जीजा जी आए हैं क्या मेरे? नहीं, दीदी का खर्चा कराओगे? जीजा जी को छोड़े ही करे। अच्छा, क्या सुनाओगे आप? मैं कृष्ण भगवान का भजन सुनाऊं। कृष्ण भगवान का भजन सुनाओ। ओ कानप तो मुरली की मधुर सुना दोता, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। चलिए, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। ये दीदी की शादी हो गई आपकी? इधर आओ, इधर आओ। ये दीदी है ना? वैसे कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है। शादी हकीकत में हो चुकी है आपकी? और क्या नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम डबरा रहते हैं। डबरा रहते हैं? डबरा, तो डबरा से मेला देखने आए क्या? और मेला देखते थे, शो भी देखा है आपने हमारा? आओ मेला, क्योंकि मैं लड़की तो यहाँ की हूँ ना, ग्वालियर। अच्छा, की ग्वालियर की लड़की हो? हाँ। तो वहाँ यूट्यूब पर देख लेते हो आप? हाँ, देखते हो। क्या सुना रहे हो आप? मैं गाना सुनाऊंगी, भजन सुनाऊंगी। शेष नाग के पन पे मेरा नाच कन्हैया, मेरा नाच कन्हैया मेरा, नाग के पन पे मेरा जे वे कन्हैया, मेरा जे वे कन्हैया। बहुत 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 बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे, एक बेटा दो बेटी? दो बेटी है, एक बेटा। दो बेटी एक बेटा, समझ तो आप गए होंगे मैं क्या पूछने वाला हूँ, ऑब्वियसली बात समझ गए। फिर से कल, दो बेटी एक बेटा है आपके? कितने बच्चों की शादी हो गई? नहीं, अभी एक की भी नहीं हुई। अभी एक की भी नहीं हुई? अच्छा, तो आपकी तो हो चुकी है शादी? हाँ, मेरी तो, मेरी शादी हुई, जब तो बच्चे हुए। ऐसी ऐसी पूछ रहा हूँ तो आपसे, अभी बच्चों की? अरे आपने बोला बच्चों की नहीं, तो मैंने आपकी तो हो गई ना। तो तभी तो बच्चे होंगे, सबको शादी है। अच्छा, ये चक्कर है। चलिए, मैं कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देता हूँ अभी। क्या नाम है माता जी आपका? राधा भाई। कहाँ रहते हैं आप? किला गेट पे। किला गेट पे। टीवी पे देखते हो प्रोग्राम आप? टीवी नहीं है। टीवी नहीं है, तो फिर कहाँ पे देखोगे? वही जब ही देखे, मन मन वैसे ही आ जाता। अच्छा, तो क्या सुनाओगे आप गाना? गजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हर में तेरी कुर्बान, आइए कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जमाने की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, किस्मत बना दे मेरी दुनिया बसा दे मेरी, कर ले सगाई मेरी जान, हर में तेरी कुर्बान। ताली मिलेगी आपको। गजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, कुर्ता है जाली वाला, उसमें मोतियों की माला, चलिए कुर्ते ने ले ली मेरी जान,
चलिए बहुत शानदार है। What are you saying? I don't know what is you are saying, bro. Chika chou 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 chika cha chou. What are you saying? I don't understand. What are you saying? In chou chou cha cha. कौन हो आप लोग? मैं क्या हूँ? I am Alex. तुम कहाँ से आए हो? I am from foreign. Ireland. ओए भाई. क्या? क्या? Who? 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 अरे क्या क्या कर रहा है ये? क्या? 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 What you are doing, Sing Chang Chu? What is Sing? क्या? Yeah. Who? You want go potty? What you are saying? You want Maxi? What do you want, bro? What do you want to say? अबे तू है कौन? क्यों? क्या क्यों क्यों कर रहा है? क्या ये क्यों क्यों? What you are doing? अबे तू कहाँ से है? I am from Ireland, bro. I am from Ireland. तो यहाँ क्या कर रहा है? गर्मी लग रही होगी तेरे को? No, no, it's too hot today. I am also. और तू कौन है यार? तेरे को कोई देखा हुआ सा लग रहा है। नहीं मैं तेरे को जानता हूँ। कहाँ रहता है तू? कहाँ से आया? ओए इधर आ। कहाँ रहता कहाँ है भाई? तू कहाँ से आया? भाई ये रहा है। इधर इधर जानता हूँ मैं तेरे को। अरे मैं जानता हूँ यार तेरे को। नहीं मैं तेरे को जानता हूँ। कनाडे बैठा रह तू? ब्लैक बेल्ट है लेकिन मैं तेरे को जानता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ तेरे को। ये जानता हूँ यार मैं तेरे को पहचान रहा हूँ। ओए एक मिनट इधर पकड़। ओए इधर 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 ओए ओए इधर आ। अबे इसकी आओ इसके आओ इधर आ इधर आ इधर आ। अबे इधर आ खड़े हो जा सीधा। रुक एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये मोरबी का पापा है ना ये? है नहीं नहीं तू कौन है जी? कौन बता रहा है? अच्छा हूँ। हैं क्या हूँ मैं? अरे नहीं हूँ यार मैं कुछ भी यार। तो क्या कर रहा था? खड़े हो यार। अरे मैं गलती हो गई ना तो खड़े हो। ये मोरबी का नाम क्यों ले रहे हो? खड़े हो तू? मोरबी का पापा है ना तू? मैं काहे का पापा? मैं पापा नहीं हूँ किसी का भी। अभी मैं 13 साल का बच्चा हूँ। पापा पापा बोलते रहते हो आप। मैं थोड़ी मोरी बोलती है पापा पापा। मेरी मम्मी को तो अभी 24 साल की लड़की टांग ये खड़ी हुई है। ये तेरी मम्मी है? हाँ ये मेरी मम्मी है। ये तेरी मम्मी है? हाँ ये नीली सा। हाँ हाँ मम्मी है। ये छोटा भाई है मेरा। ये तेरा छोटा भाई? हाँ, मम्मी है। हाँ ये 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 ये, ये, ये मेरा छोटा भाई है। ये अभी तू कर क्या रहा था? क्या कर रहा था? क्या वो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था ना। तो ऐसे मजाक कौन करता? मेरे को लगा 2 रुपया बन जाऊं गिफ्ट मिल जाएंगे 2-4। अच्छा जरा अब बार बार पकड़ लेते हो। इधर तो आ। तो मम्मी के साथ खड़ा हूं ना। उधर काहे को आऊं? उधर मम्मी खड़ी है तू इधर खड़ा हुआ है। मैं उनके साथ ही तो खड़ा हूं। डर क्यों रहा है? इधर आ। मैं डरूंगा नहीं। नहीं इधर आना तू। कल भी आने की बड़ी गलती नहीं है। नहीं नहीं मेरी सही में गलती नहीं है। नहीं नहीं सही में गलती नहीं है। नहीं क्या नहीं क्या बोल रहा था तू? मैं कुछ नहीं बोल रहा था। कौन से आइलैंड से आया? कोई से लैंड से नहीं आया। मैं तो इंडिया का हूं अंकल। मैं सही में नहीं आया। ना खड़े हो जा सीधे सीधे खड़े हो जा। यही रहता है पीछे कचरा घर है ना गोबर लैंड बना हुआ गोबर रखा हुआ वहाँ पे वहाँ से आया ये। अच्छा और ये कहाँ से आया? मैं यही मेले में पीछे दुकान है ना मेरी टिक्की की दुकान। और यहाँ क्या कह रहा था तू? वो चाइना से आया। वो मम्मी के साथ आ गया था गलती से। तो मम्मी ने बोला था चाइनीज में? हाँ, इन्होंने बोला। इन्होंने मुझे सिखाया था। आपने सिखाया? पिट जाऊंगा पिट जाऊंगा। आपने सिखाया क्या? नहीं मैं क्यों सिखाऊंगी। माँ मानी नहीं। माँ बदल गई है। माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया। चंद चॉकलेट के चक्कर में माँ ने मुझे पराया कह दिया। मुझे अनाज साबित कर दिया आप लोगों के सामने। हाँ बोल दे यार। अरे बोल ना। चलो अरे जिल्ला का बोल रहे जाते रहो। क्या कर रहे हो? पहले चाइनीज बन गया पर उनको मम्मी बना लिया। अरे सही में मम्मी है वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। चल उधर मैं सबूत दे दूंगा। अच्छा दादी बोल देगा तू उनको? नहीं नहीं ये तो दादी की मम्मी है। तो परदादी है ये मेरी परदादी है। अबे उनकी शादी भी नहीं हुई अभी।
हाँ तो हो, नहीं हुई होगी तो फिर तो कैसे बन गई? वो तो बन जाते हैं ना, आपने तो बताया बन जाते। मैंने कैसे बताया बन जाते? मैं आपने तो बताया था, पर मैंने पूछा था हम कैसे, आपने बोली परी छोड़ गई थी तेरे को। मैं बाकी मम्मी है, सबूत है मेरे पास। देखा सबूत? अरे ये देखो। हाँ देखा भैया इधर है ना, ये देखो। वो तो भग रहा है, वो तेरा भैया भग रहा है। बड़े भाई से छोटा भाई डरता नहीं है क्या? डर रहा है वो मुझसे है? तो ये सबूत है केवल? हाँ, नहीं तो देख लो आंख बंद कर रहा हूँ, मम्मी चप्पल पहनी हुई है देख लो। अबे तेरी यार जितनी महिला है चप्पल ही पहनी है। अरे सॉरी, ये मम्मी यार, मैं ये मेकअप के चक्कर में मम्मी नहीं पहचान पाता हूँ मैं। ये वाली है, ये वाली है, ये मम्मी है, ये मम्मी है। हाँ आंटी बंद, प्लीज आपको मेरी कसम, मैं आपके घर के पूरे बर्तन धो दूंगा। मैं भैया के कच्चे बनियान सब धो दूंगा। आप एक बार के लिए हाँ कर दो। हाँ मेरी मम्मी हो, बहुत गंदा मारते, कल भी बेल्टों से 3 घंटे मारा मेरे को। हाँ बोल दो बस। मैं मम्मी हो आप इसकी? हाँ, क्या कह रहे थे बताओ आप? ये मम्मी है तेरी? हाँ मम्मी है। हाँ मम्मी है। अरे मैं बता रहा हूँ ये वीडियो वायरल कर देगा, आप मम्मी हो क्या? ले वो मना कर रही है वो। ए भगवान, इस देश की माओ को क्या हो गया है, अपने बच्चों को भूलती जा रही है। बच्चों को भूलती जा रही है बीच बीच में। तो मैं बीच में नहीं आना। अरे कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा मोरबी को आई लव यू बोलना। मोरबी आई, अरे ऐसा कौन मोरबी, किसको भी आई लव यू बोलवा रहे, पिट गया तो मैं। छोटी सी बेटी है। बेटी है? आज उसने क्या किया मालूम है? क्या किया? सारे भगवानों को आलू खिलाए हैं। आलू खिलाए? हाँ। क्या कैसे खिला रहे थे वो आलू, उसने क्या किया था? आलू दाल, आलू आलू खा रही थी, सब भगवानों को भी खिला रही थी। लो, लो, अच्छा। और गणेश जी को और लक्ष्मी जी को कटोरी में डाल दिए, कटोरी में डाल के खिला दिए मोरबी ने। मोरबी ने यार है, बहुत प्यारी बेटी है, लेकिन वो तेरी यार प्यारी, मेरे पड़ोस में रहते हैं। पड़ोस में नहीं रहते, वो तेरी बेटी है वो। काहे की मेरी बेटी है यार, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी बेटी है। तेरी शादी नहीं हुई? मेरी शादी का हुई है। तेरी पत्नी की तो हो गई ना? मेरी पत्नी की हो गई। वही मैं बोल रहा हूँ, तेरी नहीं हुई है, तेरी पत्नी की हो गई है। मेरी नहीं नहीं नहीं, उसकी क्यों होगी, मेरी नहीं हुई तो। अबे तेरी पत्नी की हुई है ना? अरे मैं कुआरा हूँ अभी, 13 साल का हूँ, मेरा बाल विवाह हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी मेरे को। बाय। के लिए मैं एक गिफ्ट जरूर दूंगा, जिसने भी इंस्टाग्राम चैनल मेरा गुड्डू भैया ग्वालियर फॉलो किया होगा, जल्दी से मोबाइल में बता दे गुड्डू भैया ग्वालियर, उसके नहीं आप जो जहाँ दिखा देगा उसको मैं तत्काल एक गिफ्ट जरूर दूंगा। इंस्टाग्राम पर जिसने भी फॉलो किया होगा, इधर से अब मैं गिफ्ट देता हूँ। सबसे पहले आपके लिए रखिए विशाल फर्नीचर, पापा की परियों वाला विशाल फर्नीचर है ना। कैसा शोरूम? बेस्ट, अभी अलमारी खरीदी अपन ने, पक्का बढ़िया फर्स्ट क्लास, नंबर एक। नंबर एक है, सही कह रहे हो आप। एक आपके लिए रख लीजिए, सबसे अलग हट गया अलमारी, पापा की परियों वाला है ना। एक आपके लिए रखिए विशाल फर्नीचर से, एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए रखिए विशाल फर्नीचर से, आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है विशाल फर्नीचर से है, एक आपके लिए रखिए, एक आपके लिए भी है विशाल फर्नीचर से। अब तो गिफ्ट मिलेंगे आपको। कौन सा था? कजराम, कैसा था? कजराम, यही, वेरी गुड। एक एक और आपके लिए रखिए, पद्मश्री चाय से एक एक आपके लिए, और एक आपके लिए, आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है पद्मश्री चाय RRT कंपनी नया बाजार से, एक आपके लिए रखिए, आपके लिए भी रख लो, आपके लिए है पद्मश्री चाय से, एक एक आप दोनों के लिए पद्मश्री चाय से। एक एक और यहाँ मैं आपको देता हूँ सबको, बॉम्बे नोवल्टी के पहले बलवीर भाई की शॉप, छती नंबर 10। क्या है इनके? इनके खिलौनों की रेंज है भरमार, जो कहीं नहीं मिलेगा वो इनके यहाँ मिलेगा। कभी लाइट भी आई है जो अपन उससे चला सकते हैं, इसका मतलब वहाँ सौर ऊर्जा वाली लाइट आई है, आपने शो देखना चालू किया। एक आपके लिए है और है, आपके लिए भी है बॉम्बे नोवल्टी से, एक आपके लिए रखिए, एक आपके लिए भी है बॉम्बे नोवल्टी की पहले बलवीर भाई की शॉप से है, आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है बॉम्बे नोवल्टी की पहले बलवीर भाई की शॉप से। एक एक और आपको मैं देता हूँ, अनेजा मॉल, ये काम की चीज़ है, एक आपके लिए अनेजा मॉल, ICICI बैंक मोर बाजार, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, आपके लिए अनेजा मॉल से रखिए, एक आपके लिए अनेजा मॉल से रखिए, आपके लिए, एक आपके लिए अनेजा मॉल, अनेजा मॉल मोर बाजार, देखा है आपने ISI बैंक के बगल से? हाँ, सामान खरीदा वहाँ से अभी। एक आपके लिए, आओ मेले चलेगा, नाम लेंगे तो डिस्काउंट जरूर मिलेगा आपको, एक आपके लिए भी है अचलेश्वर CNC राउटर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, एक आपके लिए श्री अचलेश्वर CNC राउटर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग की ओर से, आपके लिए रखिए,
एक आपके लिए भी है, एक आपके लिए भी है श्री अचलेश्वर सीएनसी राउटर एवं इंटीरियर डिजाइनिंग की ओर से है, एक आप दोनों के लिए है और एक आपके लिए है। मैं देता हूँ पद्मश्री चाय, हाँ ये पद्मश्री चाय है। आप लोगों ने लिया है या ग्वालियर में नहीं लिया? लिया है। कैसा चाय है? अच्छा है। ये आप नेपाल लेके जाइए और पसंद आए तो ये ऑनलाइन भी आ जाएगी आपके पास नेपाल में। थैंक यू, ठीक है ना। एक आपके लिए देता हूँ माता जी, ये रिजुल फर्नीचर, आपने बहुत अच्छे तरीके से, हाँ ये झोली मत करो आप, मेरी औकात नहीं है, मैं झोली में कुछ दे पाऊँ, मेरी बात सुनो, हाथ में लीजिए आप। एक आपके लिए है रिजुल फर्नीचर से, एक आपके लिए ये बड़ा सा आपके काम की चीज़ है, ठीक है। एक एक आप सबके लिए मैं और देता हूँ यहाँ पर रिजुल फर्नीचर, ये छठी नंबर 1 और 7 के बीच में, 7 पे आपको प्रॉपर मिलेगा। रिजुल फर्नीचर से एक आपके लिए है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए है, आपके लिए भी रिजुल फर्नीचर से एक आपके लिए है। पद्मश्री चाय आरआरटी कंपनी नया बाजार, फॉरेन के मसाले वाली चाय है, बहुत बेहतरीन नंबर एक। हाँ गोल्ड चाय है तो हाई ग्राउंड गोल्ड जो चाय है 16 फ्लेवर की है। आपको मैं बड़ा देता हूँ, छोटा वापस ले लेता हूँ। और 250 ग्राम में क्या निकलता है? चम्मच निकलती है। और 1 किलो में कप निकलता है अंदर, बहुत शानदार। हाँ ये मैं वापस लेता हूँ, ये देता हूँ। अब एक सा हो गया, एक आपके लिए रखिए, एक आपके लिए भी है रिजुल फर्नीचर से, के लिए है गोल्डन स्मार्ट गहनियों की स्मार्ट पसंद गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, एक आपके लिए और है, आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से रखिए, एक आपके लिए है, आपके लिए भी रखिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से है, एक आपके लिए रखिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से है, एक आपके लिए रखिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से है, और एक आपके लिए भी रखिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से है। एक आपके लिए मैं देता हूँ, जब तक आपके लिए रखिए, अनेजा मॉल से एक आपके लिए और है, अनेजा मॉल से एक आपके लिए गोल्डन लाइफ से और है, रखिए एक आपके लिए रख लीजिए, अनेजा मॉल से आपके लिए भी है, ये एक अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए अनेजा मॉल से और है, आपके लिए भी है, एक आपके लिए अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए ICICI बैंक मोर बाजार से, एक आपके लिए है अनेजा मॉल से। इधर आता हूँ और इधर पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? इजी अगलवा। अच्छा प्रोग्राम देखते हैं मेले वाला, एक आपके लिए रख लो पद्मश्री चाय से। इधर क्या नाम है आपका? भैरवी। कहाँ रहते हैं? ग्वालियर। प्रोग्राम देख रहे हैं? हाँ। रखिए पद्मश्री चाय से एक आपके लिए इधर उपहार है, क्या नाम है आपका? रेखा श्रीवास्तव। अच्छा प्रोग्राम देख रहे हैं आप मेले का? रखिए पद्मश्री चाय से, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? यही मॉडर्न टाउन में। अच्छा तो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग मेले का घर पे? हाँ जी। रखिए एक आपके लिए भी है, क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन परिहार। कहाँ रहते हैं आप? डबरा। डबरा से आए, रखिए अनेजा मॉल से एक आपके लिए। ते हैं दोस्तों यहाँ से सीधे ग्रीन लाइन इंडक्शन कुकर कंपनी शोरूम के अंदर मौजूद हम लोग हैं, इंडक्शन कुकर यानी गोल्डन लाइफ। कल तो बहुत समय नहीं लगा बिल्कुल, कल मंगलवार था, मैं नहीं मानता हूँ कि लोगों की बिक्रियां तक नहीं हुई थी, लेकिन मेरे फोरूम पे भीड़ इतने क्राउड था कि कम से कम 20 से 25 पीस तो मैंने इतने छोटे क्वांटर पे नॉर्मली फेल आउट किए हैं। कल मैं देख रहा था, जब मैं 2 दिन बाद निकला तो आप क्या लगातार बिल्कुल, यानी कि मैं काउंटर पर खड़े होने की जगह नहीं आ पाती, यानी कि मैं डेमो भी दे रहा हूँ तो पीछे से क्लाइंट आ रहा है कि फिर मेरा बुक कर दो, तो इस प्रकार से यानी कि जो ऑफर निकला हुआ है उसके ऊपर भी कंपनी ने अच्छा दे रखा है। 4550 वाला मॉडल 4500 रुपये में दे रही है, साथ में गिफ्ट सेट आ रहा है। सर 4500 वाला कौन सा मॉडल है आपका? ये वाला मॉडल है, ये 4550 का है, मेला में डिस्काउंट ऑफर में मिल रहा है 4500, साथ में 1000 रुपये का यूटेंसिल सेट फ्री आ रहा है बर्तनों का। जैसे क्या क्या है उसमें? इसमें कढ़ाई है, चाय का डोंगा है, फ्राई पैन है, डोसा तवा है और तड़का है। डोसा तवा भी है? डोसा तवे में तो रोटियां भी बन जाएंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो अपने घर में तवा होता है उस पे भी बना सकते हो, आप बर्तन लेना चाहो तो भी ले भी सकते हो उसके साथ में। चलिए और इसके साथ ये कौन सा मॉडल है आपका? GL 2010 न्यू मॉडल है, जो इसकी वेयरिंग कैपेसिटी 12-14 किलो तक की है, नॉर्मली 25-30 से लोगों तक का खाना बना देता है। और इसकी कितनी है? इसकी आपका 18 से 20 kg की वेयरिंग कैपेसिटी है, सुपर माइक्रोलाइट प्लेट है, ओवर हीटिंग, ठंडा गर्म पानी गिरने से ब्रेक नहीं होती है ये, यानी कि आप 20 किलो तक का बेड ले सकते हो होटल परपज में यूज कर रहे हैं। एक इंडक्शन और उसके साथ में जैसे इन्होंने बताया ये साथ में जो ओवन जिस पे माइक्रोवेव ओवन पे जो बर्तन यूज होते हैं वो बर्तन भी आपको दे रहे हैं, समझिए कि रोटी भी अब आप इंडक्शन कुकर पे बना सकते हैं रोटी, और आप यहाँ प्रूफ भी कर सकते हैं अगर कोई सर बिल्कुल तवा लेके आए घर वाला और आटा लेके आए, मैं यहीं से परचेस करके आपको 3 किलो आटा की रोटी बना के खुद खिला सकता हूँ।
ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर रोटी भी बनाता है, शायद कोई अन इंडक्शन कुकर रोटी ना बना पाता हो। अगर ये सारे फायदे आप चाहते हो तो मैं कहूँगा आना पड़ेगा आपको ग्वालियर के व्यापार मेला, छत्ती नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बीच में मिलेगा। 18 साल पुराना ये प्रोडक्ट जिन्होंने आपका विश्वास जीता है। यहाँ के संचालक SS पारसर जी, उनका सपना जो आपने साकार किया, उनका सपना था कि एक ऐसा प्रोडक्ट ग्वालियर वासियों के घर पहुँचे जो सालों साल आपका साथ निभाए और आपकी जो वर्किंग है उसको फास्ट कर दे। दो घंटे चलाते हैं तो लगभग 1.5 यूनिट। हाँ, 1.5 से 2 घंटे तक चलाओगे तो 1 से 1.25 यूनिट का कंजप्शन बनता है, यानी 7 से 8 रुपए की बिजली। अपन डबल भी चला लेते हैं, यानी कि सुबह शाम दोनों टाइम चलाओ तो 14 रुपए से ज़्यादा का खर्चा नहीं आता है। और वही गैस का खर्चा आपका इससे बिल्कुल 40 से 50 रुपए होता है। तो मैं कहूँगा इंडक्शन लेना चाह रहे हैं साथ में, पहला इनके जो उपहार मिल रहा है वो मिलता है 1000 से 1500 रुपए का, एक ट्रॉली बैग है। साथ में सेकेंड जो उपहार है वो है इनके गोवा टूर, यहाँ 3 रात और 4 दिन का। और तीसरा इनका जो है 10,000 का कैश अवार्ड है। अगर आप ये सारे फायदे लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आइए देखिए, छत्ती नंबर 3 पे बेशर्म वाला सेट है ये, 2090 छत्ती नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बिल्कुल बीच में मिलेगा आपको गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर कंपनी का ये शोरूम, यानी स्मार्ट गृहणियों की स्मार्ट पसंद वाला। आइए चलते हैं यहाँ सब सीधे रिजुल फर्नीचर एंड फर्निशिंग शोरूम के अंदर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर डाइनिंग टेबल, ये रिजुल फर्नीचर के अंदर डाइनिंग टेबल है। ये आप देखेंगे ये बिल्कुल मार्बल लुक में है, मार्बल की है, बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव यहाँ पर लगे। ये महाराजा चेयर्स के साथ में है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर सेट है। ये आप देख रहे हैं इधर, ये ग्रेनाइट में है, ये आप देखेंगे ये ग्लास वर्क में है, ये वाली ग्लास पे यहाँ पेंटिंग हो रखी है, सामने मार्बल में है, मतलब महाराजा एक से एक यहाँ पे आपको मिलती है डाइनिंग टेबल। 6 सेट मिलता है, 4 सेट मिलता है, 8 सीटर मिलती है, जैसी आपकी नीड है वैसी डाइनिंग टेबल यहाँ पे मौजूद है, जो आप देख रहे हैं अभी आप अपने TV पर, एक से एक यहाँ पर डाइनिंग टेबल लाइन से मिलेंगी आपको। छोटी चाहते हैं, ऑफिस चेयर चाहते हैं, मीटिंग चेयर चाहते हैं, ये सब कुछ एक छत के नीचे यहाँ पे मौजूद है, यानी रिजुल फर्नीचर। रिजुल फर्नीचर देखिए शहर में पिंटो पार्क पानी की टंकी के पास इनका भव्य शोरूम है, 20,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ, लेकिन ग्वालियर व्यापार मेले में पहली बार आया है रिजुल फर्नीचर, आपके लिए सौगातें लेकर आया है। यहाँ भी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, एक्सचेंज ऑफर है, अगर आप कोई पुराना फर्नीचर बदल के नया ले जाना चाहते हैं तो आइए एक बार विजिट ज़रूर करिए, क्योंकि इनके यहाँ फर्नीचर के साथ साथ अलमारियाँ हैं, लकड़ी में भी हैं, लोहे में भी हैं, साथ में विंडो कूलर भी हैं, विंडो कूलर के साथ में फर्निशिंग का, घर में आप जो डेकोरेशन का सामान लगाते हैं, पर्दे हैं या टेबल कवर वगैरह होते हैं, सब कुछ, बेडशीट है, बहुत सारा सामान है, मैं शायद आपको ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, पिलो हैं, बहुत सारा जो मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। आइए थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ कोई एक्सक्लूसिव सोफ़ा है, एक्सक्लूसिव सोफे पे जब आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कवर, उसको कवर्ड मिल जाए, तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कवर्ड मिल गया है यहाँ पर। ये साथ में ये पूरा फिनिशिंग वर्क, ये सब कुछ आपको मिलता है एक छत के नीचे। ये एक छत है वो है छत्ती नंबर 7 और 1 के बीच में, आना पड़ेगा आपको इस छत के नीचे। ये लगभग ग्वालियर के व्यापार मेला में 50,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा शोरूम यहाँ पे मेंटेन है, और ऑफिस चेयर से लेकर फर्नीचर का जो नाम बोला जाता है फर्नीचर में, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, और फर्निशिंग घर के डेकोरेशन में जो नाम लिया जाता है वो सब यहाँ मौजूद है। तो अलग अलग जगह परेशान होने की बजाय मैं कहूँगा एक छत के नीचे आएँ, छत्ती नंबर 1 और 7 के बीच प्रॉपर 7 छतरी पर मिलेगा आपको रिजुल कंपनी का ये पूरा का पूरा शोरूम। तो शुरू करते हैं ये 2024 विशाल फर्नीचर आओ मेला चले का ये कॉन्सेप्ट, और आज सुपर वुमेन्स है, यहाँ जो महिलाएं पीछे खड़ी हुई हैं ये अपने परिवारों की शान आन बान शान है और इस मेले की जान है, जो मेले के कार्यक्रम को प्यार करती हैं। आइए आज इनके साथ सुपर वुमेन्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देता हूँ आपका। आपका नाम? नारानी। कहाँ से आए हैं? गोहद से। ये गोहद से आई हैं, गोहद में। आपका नाम? राधा। राधा कहाँ रहते हैं? रामाजी पुलिया। रामाजी का। आपका नाम? आशा। कहाँ रहते हैं? रामाजी की पुलिया। रामाजी की पुलिया। और आप? रामाजी की। ये दोनों अलग अलग जगह है क्या?
नहीं एक ही है लेकिन ये मेरे साथ नहीं। अच्छा आप अलग अलग हैं, जगह एक ही है, नाम? उर्मिला प्रजापति। कहाँ रहते हैं? पुराने जाने। पुरानी छाप, ये मेले का देख रहे हैं प्रोग्राम? ठीक है, नाम आपका? किरण जाटव। कहाँ रहते हैं? मगरोनी माधोगंज। आपका नाम? मगरोनी। मगरोनी, हाँ, नरवर मगरोनी। अच्छा वहाँ आप देखते हैं ये प्रोग्राम यूट्यूब पर? यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा, आपका नाम? अफसरी खान। कहाँ रहते हैं? कुमारपुरा। कुमारपुरा। और आपका नाम? किरण। कहाँ रहते हैं? घोसीपुरा। घोसीपुरा। चलिए आपका नाम? रूही। कहाँ रहते हैं? ठाटीपुर। ठाटीपुर। और आपका नाम? सोनिया। सोनी। कहाँ रहते हैं? चार शहर के नाके। चार शहर के नाके रहते हैं। चलिए पांच अलग तरीके से फोटो खींचते हैं ना, सेल्फी। सेल्फी लेके दिखाओ आप, कैसे खींचते हैं सेल्फी? हाँ एक, अरे वाह, बदल बदल के पांच अलग अलग तरीके से। हाँ ओए ओए, दो, अरे वेरी गुड वेरी गुड। हाँ एक और, ये तीन, वेरी गुड। ये चार, वेरी गुड, बहुत शानदार। एक और, ओ तरीकी, इन्होंने बिल्कुल बहुत सही इस उम्र में सेल्फी, पांच तरीके से। हाँ एक, ये दो, तीन, वेरी गुड, चार और ये पांच, वेरी गुड, पांच अलग तरीके से सेल्फी। एक, ये दो, ये तीन, हाँ वेरी गुड, चार, हाँ हाँ और ये पांच। ये सेल्फियों में जीप का सिस्टम समझ में नहीं आता, जैसे इन्होंने भी जीप निकाली थी, आधी जीप निकाल के सेल्फी का मतलब क्या होता है वो वाली का। चलिए पांच अलग तरीके से, हाँ एक, वेरी गुड, ये दो, तीन, चार और ये पांच, वेरी गुड, पांच अलग तरीके से। हाँ एक, ये दो, हाँ हाँ, ओहो तीन, हाँ हाँ, चार, हाँ हाँ चार हो गए और ये पांच, वेरी गुड। इनको पति समझ लो, जब पति समझ लो, इनके संग में करवा चौथ में सेल्फी लेती है ना मैं महिला वैसी। हाँ तीन सेल्फी वैसे लेके देखाओ, पति समझ लो, ये पति हैं ये। ओ तेरी की, हाँ ये देखो आप, ये करवा चौथ वाली बिल्कुल सही है, एक हो गई, एक हो गई। हाँ ये दो, हाँ हाँ, ये परफेक्ट जो सेल्फियाँ चलती हैं, आप समझ लो इनको पति। दो सेल्फी आप लेके दिखा दूँ, हाँ ये एक, हाँ ये दो, वेरी गुड, बहुत शानदार है, पर्स उठाइए अपना आप। हाँ पांच सेल्फी, ओए होए होए, एक, ये दो, हाँ हाँ, तीन, चार, हाँ हाँ, ओ तेरी की, पांच, वेरी गुड। हाँ इनको दीजिए, हाँ चलिए चालू करिए। हाँ एक एक हो गई, एक हो गई, वेरी गुड। बदल बदल के लेनी है पांच अलग अलग तरीके से। हाँ ये दो, ठीक है, वेरी गुड, ये तीन, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ तीन हो गई, पांच करनी है, हाँ दो और लेनी है, हाँ दो और, ये चार हो गई हैं, हाँ हाँ एक और लेनी है, ये पांच। इनको अपना मिस्टर समझ लो, ईद पे जो सेल्फी खींचते हैं ना वैसी अपने पति के संग में सेल्फी खींचो, इनको पति समझ लो, ईद की सेल्फियाँ। हाँ एक, हाँ एक हुई है, ये दो, हाँ हाँ ये परफेक्ट, आइए पांच अलग तरीके से। हाँ एक, वेरी गुड, नहीं आपको अकेले खींची, उनको क्या को ले रहे हो आप, अकेले अकेले चल रही है। हाँ ये दो, हाँ ये तीन, ये चार, चश्मा ठीक है, और ये पांच, वेरी गुड, पांच अलग तरीके से। हाँ एक, हाँ दो, तीन, हाँ तीन हुई है, चार और ये पांच। अब ये पति समझ लो इनको, ये इनके आपके पति है, करवा चौथ वाली नहीं, आपको सेल्फी लेनी है, करवा चौथ पे ली थी पति के संग में, वैसी चार सेल्फी अलग अलग। हाँ ये दो, हाँ ये तीन, हाँ हाँ ये मुख्य सेल्फी, हाँ तीन हो गई, एक और लेनी है, चलिए वेरी गुड। अरे बेटा धीरे, अरे बेटा धीरे, धीरे सेल्फी बेटा, मत जाऊंगो, रुक जा, रुक जा, मैं ढूंढो, मैं सेल्फी, पांच पांच ले आऊंगा, पूरी पांच 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 सेल्फी ले आऊंगा, देख लेनी है, क्या लग रहा है, राम पूज रही है।
ये तो शर्म ना आ रही, सेल्फी ले रहा हूं ये। अरे मार रे वो क्या दौड़ा है जो थाड़ो रंग से बाबा कवर में कौन सी सेल्फी लेगो बाबा बताओ। कवर में रहेंगे वो पूरी कवर में धरो है अच्छा लग रहा हूँ मैं। रुक जा बाबा रुक जा। अरे रुक जाओ ना सेल भी अलग अलग बहुल्ला पता है अमन ने रहन दे बस बहुत। अरे मैं ऐसा नहीं बेटा मुझे गलत मत समझो, समझ नहीं आई मैं गलत ना ना जी मैं मार के छोड़ेगा आज। अरे रुक जा रुक जा बेटा रुक जा रुक जा लग गई। नहीं तो सेल्फी बेटा सिख ले रहा मेरे का जीवना ना, मैं बूढ़ो आदमी है तो अब मेरे सगाई बारे आए रहे आओ आओ जी जी मेरे नाती के नाती के मेरे नहीं 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 मुँह पे जागो नहीं जी डुकरिया गाओ है आओ तीन डुकरिया है मेरे बाम जी जवार ये गाओ जी आओ आज तो हमारे संग में कोई सेल्फी ले नहीं रहा हूँ। हमारी लुगाई कहती थी हमारे दांत बहुत अच्छे हैं, हमें नजर ना लगे हमारे दांत मंजन कर लेते हैं। अरे मंजन काले कलर नजर लग जाएगी हमारे दांत अपने घर पे आके लेना सेल्फी। चलो बातें हैं आइए। हाँ ओहो वेरी गुड। किसका है ये? है विशाल, विशाल फर्नीचर। हाँ, पापा की परियों वाला शोरूम जो है छतरी नंबर एक पर, जहाँ पे सारा कलेक्शन मिलता है पलंग वगैरह सब कुछ फर्नीचर की पूरी पूरा कलेक्शन है वहाँ पर। और जो किसी के पास नगद पैसा नहीं है तो वहाँ पे फाइनेंस भी होता है। फाइनेंस होता है वेरी गुड, बहुत शानदार है। आइए। हाँ आपको भी करनी है, आइए आइए। हाँ ये मॉडलिंग, ओहो ये मॉडल सारी, ओहो ओ तिरी की ये डरने वाली मॉडल, ओ तिरी की बहुत शानदार। अरे जा मॉल आइए आइए, बहुत शानदार है। आइए ये हाँ मॉडलिंग, ये किसका है? ये अनेजा मॉल। अनेजा मॉल कहाँ पर? गांधी मार्केट आईसीआई बैंक के पास। ठीक है, क्या है इनके यहाँ? साड़ियाँ लहंगे गाउन सब तरह की। और आओ मेला चलेगा, नाम लेने पे 10% डिस्काउंट भी। हाँ बिल्कुल है, और मॉमडन्स की पूरी रेंज है वहाँ पर। चलिए 1500 से लहंगा चालू, यही है ना? आइए बहुत शानदार। आइए देखो कैसे शर्मा रही है, मॉडल्स हैं नए नए मॉडल्स हैं, ऐसा नहीं। आइए आइए, ओहो उत्तरी की पद्मश्री चाय कहाँ मिलती है ये? हनुमान चौराहे। नहीं ये तो नया बाजार मिलती है और दुकान पे हर जगह। आइए आइए आइए, ओहो ये मॉडलिंग वेरी गुड। रिजुल फर्नीचर, हाँ छठी नंबर नंबर 7 पर है। इनके फर्नीचर की पूरी रेंज है और साथ में होम डेकोरेशन का है, सब कुछ है यहाँ पर। चलिए वेरी गुड, एक ही छत के नीचे, बहुत शानदार। हाँ ये मॉडल्स पुरानी दिख रही हैं। आइए यहाँ, ओहो ओ तेरी की। हाँ बॉम्बे नोवेल्टी के पहले छठी नंबर कितने पे है? 10 पे। और क्या मिलता है इनके? खेल खिलौने सारे। चलिए वेरी गुड, आइए आइए आइए। हाँ आइए, ये वेरी गुड। विशाल फर्नीचर एक नंबर छतरी पे है। फर्नीचर पूरा फर्नीचर है, फाइनेंस सुविधा भी है। पापा की परियों वाला शोरूम है, वेरी गुड। आइए वेरी गुड। हाँ गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर यहाँ छतरी नंबर 3 पे सब मिलता है। 3 और कश्मीरी गेट के बीच में, मैं मतलब स्मार्ट महिलाओं की पहली पसंद। चलिए वेरी गुड, गोल्डन लाइफ। आइए आइए, हाँ ये हाँ रिजुल फर्नीचर छतरी नंबर 7 पे। वेरी गुड, क्या है इनके? इनके यहाँ फर्नीचर और ये पिलोज वगैरह। हाँ सारा मतलब होम फर्निशिंग पूरा सामान है सारा। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार है। हमें जो विदा होकर जाती है लड़कियाँ, कैसे जाती है रोती हुई? ओ मेरे बाबूला, ओ मेरे लगे आप, आपको आपको कर रहा है। ओ
इनके संग में। चलिए आपको, आप चले आओ उनसे मिलते हुए, गांव में जाती ना कहते यार, हंस हंस के जा रही है ये तो, गांव में भी लड़की हंस हंस के जाती है जैसे हंस हंस के जा रही है। चलिए आप ये बताएगी कैसे जाती है। ओ मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, ओ मम्मी। चलिए वेरी गुड, हाँ कैसे जाती है। आप दोनों ने चले जाओ, दोनों एक साथ चले जाओ। ओ मम्मी, ओ आपको हंसी आ रही है, हंस के आपको भी जाना है, आपको भी जाना है। चलिए वेरी गुड, आपको कर। चलिए वेरी गुड, आपको भी जाना है, वो गया आपको। आजकल तो मॉडर्न भगवान होते हैं, आपको करना है अलग। ओ मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाना पड़ेगा, मैं खुद ही जा रहा हूं, जाना पड़ेगा। पैसा नहीं मिलने जा, मारे लोला मोड़ी जा रही है। ओए ओए तू इधर 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 इधर, एक मिनट एक मिनट चाचा, मेरे तू पड़ोसियों की दुकान करो रहा है। मेरी मोड़ी का सामान ले गई थी जो। अच्छा पीछे आ जा, मेरी मोड़ी का सामान ले गई थी। हां मेरी मोड़ी के खिलौने ले जाती चूटे में। बाबा एक मिनट रुक जा, एक हाथ छोड़ पहले, हाथ छोड़ थरकी बुड्ढा। बेटा इसको तो जानते ही नहीं हम, जाने कहां से बुड्ढा, कौन कहां से आए तुम। अरे बेटा वो मेरी तेरंगन में आवेगी कह के गई मोचो। बेटा आ जरूर जज्जा, 8 दिनों बाद में मरेंगा। बेटा तो अब तुम सबका हो गया है ना, हो गया। एक मिनट रुको, मैं इस लड़की का बाप हूं, मुझे तो रोन दो। अरे एक मिनट रुको, रुको बंद करो, चुप, साइलेंट साइलेंट, अब तो बोलना। 1 2 3 बाप की बारी है यार, ढंग के साथ बोलो, बापू बाप इसका बोलो। एक दो तीन बोलो, गला नहीं दो, 1 2 3 बोलो तीनों। ओ मोड़ी, अब गांव में कंडो कौन थेपेगा। ओए पकड़, ओए इधर हट, ओए सीधे हो जा, हट हट मोड़ी बेटा। ए बाबा पकड़ इसको सीधे, हट, जा रहा नहीं जा रहा तू, ओ चल बे खिलौने। ओए मैं फूल जल्दी मोड़ी चली। अब बकैया की लड़ी कौन बीने को, तेरी मोड़ी नहीं चली गई, तेरे बारी भी चले गए, ऊपर हाथ लगा के देख ले, सब कुछ चलेगा भाई साहब, ऊपर हाथ लगा ले और सही आ जा। गुड्डू भैया वो आ गई मोर भी सामने। कौन आ गई? भाभी। भाभी मोर भी बेटी है इसकी, पकड़ इसको, हट, तेरी फूली जैसी मोड़ी
बाप की बारी है रोवे की। अरे बाप का है बाप, मैं खुद ही बच्चा हूँ। पौने 13 साल का हूँ। 13 साल का? अबे तू क्या कम होता जाता है क्या? नहीं मेरी उम्र इतनी, पूछ लो। मम्मी खड़ी हुई है। कौन है? मम्मी है मेरी। ये तेरी मम्मी है? हाँ ये तेरी मम्मी। हाँ पूछ लो। मम्मी हो आप इसकी? ये वीडियो वायरल कर देगा। पैर छुरा। वीडियो वायरल कर देगा आपका ये मम्मी। इमोशनल अत्याचार हो रहा है तेरे संग। अरे तुम तो बीच में कबाब बेटी बन रहे हो। बन रही हो? मेरी मम्मी है, तुम्हें क्या करना है? मेरी बहन है वो। तो तुम मेरी मासी हो गई। ठीक है हाँ तो ठीक है फिर, ऐसा बोलो ना। यही किसी को भी मम्मी और किसी को। अरे सच में मम्मी पूछ लो उनसे। ये कौन है? हाँ ये मेरे चाचा है। अभी अभी हुई है, 2 दिन पहले हुए। चाचा जी है मेरे। तेरे चाचा है? हाँ कसम से। तुम्हारा मेरा नाती है। हाँ तो आप मेरी परदादी हो, तभी तो चाचा है। चल तो दोस्तों बारी है अब यहाँ पर टैलेंट की, लेकिन उससे पहले फिर वही कुछ बातें। सबसे पहला शहर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का बीड़ा उठा लीजिए। शासन के भरोसे मत रहिए, समझदार बनिए। यहाँ मैंने देखे हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं फेंकते। आप थोड़े समझदार बनिए, ट्रैफिक के रूल्स का पालन करिए, रॉन्ग साइड चलना बंद करिए। आपकी मूर्खता के कारण मैं आपको बता दूं पूरा ट्रैफिक आप जाम कर देते हैं। रॉन्ग साइड अगर गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी तो यकीन मानिए ट्रैफिक कहीं भी नहीं रुकेगा। और ये टर्न पे जो अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं ना, थोड़ा समझदार बनिए। टर्न पे आप लोग गाड़ियां तो खड़ी कर देते हैं, समझदार बन जाइए, उससे भी ट्रैफिक कहीं ना कहीं अवरोध उसमें पैदा होता है। बाई दबे किसी को हॉस्पिटल जाना हो और आपके ट्रैफिक में अगर आपकी गाड़ी आपने खड़ी किए हुए है और ट्रैफिक जाम है, तो सोचिए उस पेशेंट्स का क्या होगा। जो आज उसके संग में हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। तब आप दूसरे को गाली देंगे, लेकिन उससे पहले आप सोचिए कि आपको उसने बुरा भला कहा होगा। एक और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि बैंक के नाम से जो आपके संग में आजकल या गिफ्ट के नाम से जो फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन सर्वर या और साइबर क्राइम, उससे बचिए। कभी भी आपके पास कोई कॉल आता है कि बैंक से बोल रहे हैं आपका ये बंद होने वाला है, वो बंद होने वाला है, उसको चालू रखना है तो हम आपको OTP भेज रहे हैं, वो भेजिए मत। भेजिए फिर बोलूँगा आपको 1,000 से 5,000 तक वो वैसे फालतू देते हैं पहले कि आपका ये ऐसे ऐसे मेगा ड्रॉ निकला है, उसमें 5,000 निकला है, 2,000 निकला है। ऐसा आते हैं कॉल? आते नहीं आते हैं। आते हैं और आप क्या करते हैं, वो पैसा लेने के लिए आप OTP देते हैं, वो पैसा आपको मिल गया, उसके बाद वही लोग आपसे बोलते हैं कि अब आपका 50,000 का नाम निकला है, क्योंकि आप पे विश्वास उन्होंने जगा लिया ना कि 50,000 का। फटाक OTP देते हैं, फिर उसके बाद आपके कैसे पैसे निकलना चालू होते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। 20,000 गायब, फिर 20,000 गायब, फिर 35,000 गायब, फिर आप इधर उधर भागते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, जबकि इसमें गलती पुलिस की नहीं, आपकी मूर्खता है, आपका लालच है। अरे बैंक क्यों आपको फ़ोन करेगी? बैंक तो आपसे ये बोलेगी बैंक में आइए, आपका अकाउंट बंद होने वाला है। बैंक आपसे OTP नहीं करेगी ना। बैंक वालों के पास इतना फालतू समय कि आपको घर बैठे फ़ोन पे OTP पूछे। ध्यान रखिए कोई भी छोटे छोटे बच्चे अगर आपसे भी कोई पूछते हैं कि मम्मी के बैंक का अकाउंट नंबर मत बताना, आप बैंक वाले स्वयं बैंक में आप बुलाएंगे। तो ध्यान रखें, आप साइबर ठगी से आप स्वयं बच सकते हैं। हो गया भाई साहब, हो गया सेटलमेंट हो गया मेला। मैंने दो तीन दिन से तो तू दिख नहीं रहा था। अरे भाई साहब मैंने तलताल तो इतनी तित्तियाँ लेती बाइज्जत बली हो गया, दिल से बली हो गया, ऑल त्या बली हो गया कि बली हो गया, बली हो गया, बली हो गया, बली नहीं बली हो गया, बाइज्जत बली, बाइज्जत बली, वो खली वाला बली। अरे भाई साहब बाइज्जत बली मतलब मेरे को इज्जत के साथ डेलते बाहर निकाल दिया सर। हाँ लाद दे के। अब मेरे को कोई तत्ती बत्ती बीजने की जरूरत नहीं है, अपन बन गए आप जिम्मेदार नागरिक, अपना काम लहेगा तेवा पलमो धलमा। अच्छा तो यहाँ क्या टैलेंट पेश करने आया? डोली बाली धू धा धा धी सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। टैलेंट है तेरे पे? टैलेंट बहुत है भाई साहब, पेश कर। आज तो मैं टैलेंट पेश करूंगा, आज मैं तलूंगा अपने अंदर की तत्तियों के साथ सारे टैलेंट। तो बेटा टैलेंट तो बाद में दिखाइए, मेरे पैसा ज्यादा टैलेंट।
तेरे दे पैसे था दिया मैं। अरे बे तेले बाद ना पैसा लाए मेरे बे पैसा रुक जा टैलेंट पे दे। अरे टैलेंट नहीं बेटा मेरे पैसा दे दे। हाँ नहीं 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 बेटा ए बेटा मेरे पैसा दे दे मेरे दादा मेरे सुगरिया बेच के पैसा दे जाए सुगर बेच के पैसा दे और बेईमानी कर रहा है पैसा ना दे रहा हूँ जी मैं इतने बादाम नहीं जाता मिलने दी तत्ती नहीं है। नहीं नहीं बेटा तेरी फालतू थी बात सुनो बेटा मैं बूढ़ा आदमी गलत नहीं कहूंगा आज मैं चलूंगा अपना टैलेंट रुक जा टैलेंट छोड़ते मेरे पैसा दे दे टाइम दे पैसे। अरे बाद मैंने तो ये तुम्हारा को तुम्हारा को दे मैंने तो 1,000 और 10 रुपया दे मैं तो जेल में था भाई तब कौन से जेल में नहीं है तो इतको बादाम दिलाओ भाई तब को तभी दिमाग में तत्ती आएगी। टैलेंट पेश कर जल्दी मेरी बात सुन ले बेटा अबे टैलेंट पेश कर नहीं 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 आज नहीं, 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 नहीं टैलेंट मत करे पहले मेरे पैसा लौटा दे मेरे पैसा दे दे एक मैं बहुत इज्जतदार इंसान बन गया हूँ अपने पुराने लोल में वापस आ जाऊंगा बंदा बेटा नहीं 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 मत दुला नहीं नहीं बेटा मेरे पैसा दे दे मैं चलूंगा अपनी पूरी तत्तियों के साथ पहले टैलेंट नहीं मेरे पैसा चाहिए मोए हाँ मनी प्लांट नहीं मेरे घर में मोए पैसा चाहिए हाँ मैं बता रहा हूँ तो दे रहा हूँ पहले पैसा दे रहा हूँ पाई पाई का हिसाब तलूंगा पहले आज मैं करूंगा टैलेंट पे कदर कदर आज मैं तलूंगा अपना कितने पैसा है पहले मुझे बता दे हाँ पहले 2 रुपया है दो नंगे 1,000 और 10 रुपया है पूरे ब्याज लगा के हाँ रुक जा तल लेने टैलेंट पे तेला भी तल में तलूंगा टैलेंट पे ले ले रुक जा पहले पैसा दे दे मेरे बेटा आज करूंगा मैं अपने टैलेंट को बेटा रुक जा मेरे पैसा दे दे काय के पैसे बेटा मेरे पैसा दे नहीं 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 बेटा टैलेंट पेश कर लेने नहीं 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 टैलेंट नहीं पहले मेरे पैसा दे दे बेटा मेरे पैसा दे दे पहले हां पैसा कितने पैसा दे ले 1,000 और 10 रुपया अदाल ले दुकरिया के बकरिया में तो चुराए गए मैंने तुझे दे और सुंगनिया बेची तब इकट्ठे करेगा मैंने तुझे दे बेटा अबे ए रुक जा दादा यार बात चल रही है। हेलो अंकल नमस्ते हां क्या हो गया अरे टैलेंट पेश कर रहे हैं तुम काहे को बीच में घुसे आए अरे टैलेंट हम पेश करेंगे ये कैसे पेश कर लेंगे इनकी इतनी हिम्मत है ये करेगा पेश और हां आज आपको बता रहा हूं अगर टैलेंट में किसी के साथ भी टैलेंट के साथ अगर वो हमारे जीजाजी ने डांस किया लड़का होगा तो चलेगा अगर कोई यहाँ पे आंटी जी या दीदी या मम्मी जैसी आए और उनके साथ जीजा ने डांस किया तो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ क्या जीजा के टांगे तोड़ दूंगा मैं आज। अबे तेरा जीजा तेरे को टांगे तोड़ लिया मुंह तोड़ रहा तोड़ियो तू नहीं आप नहीं आप उसको बोलते हो ना डांस करने के लिए वो कल हम गए थे ना कल हमने सोचा था ना मर गए वो पर वो बच गए थे तो डॉक्टर साहब हाँ डॉक्टर साहब ने बचा लिया उनको। अच्छा हाँ हाँ कहाँ चले गए थे वो उधर कलारी पे मिले फिर हमें पड़े हुए वहाँ पे वहाँ भी मरे ऐसे पड़े थे वहाँ पे तैसे पड़े थे वो तो समय पड़ गया नहीं तो हमने तो लकड़ियाँ लगाई दी थी नीचे। टैलेंट है गुंडा को बोला तूने मैं ना बोलो बेटा वो तो हतुज्जे वो तो सही आंटी गुंडा नहीं बोल लेता आज मैं चलूंगा अपने अरे बहन जी ऐसे मत बोलो यार तू है भैया उन्होंने बोला आंटी इज्जत तो नाम ले रहा धुंधा नहीं बोलने था धुंधा नीला में मैंने 73 तला से आया बोला अब मैं चलूंगा रुक जा पैसा तो दे दे मेरे दादा मेरे चाचा कक्का ये बोल रही है आंटी पीछे वाले मेरे पैसा दे दे आंटी मत बोलो गुंडा नहीं हूं मैं इसका डालू डालू टैलेंट 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 जूते तो हो गया पेट मुझे क्या पता कैसे हो गया तेरे को लोग चला रहे तू लोगों पे बोला आलू में तेरे तोते तोते चल दूंगा तू मिल में तो बाल तेरे तोते तोते नहीं चले तो शरीफ इंसान बन गया ना बेटा बहुत शानदार अच्छा अच्छा डांस किया है आपने। अरे बहन जी क्या हुआ आपको मना करके क्या था ना हमारे जीजाजी उनके साथ डांस नहीं करना कैसे जीजाजी जीजाजी की आंटी को और मेरी कल मना करी थी ना आप जाइए
आप जाइए जाइए आप जाइए आप जाइए आप कौन हो आप बंद कर लीजिए यहाँ पे मर्डर होने वाला मर्डर क्या कह रहा है वो मर्डर होने वाला मर्डर यहाँ पे मर्डर होने वाला मर्डर मर्डर कल मना करी थी ना हाँ सुंदरी दीदी अरे सुंदरी दीदी जिंदाबाद की नहीं करी थी हाँ दीदी मारो पहले तो जे बताओ थी कौन कल ही मना करी थी ना अच्छा दीदी अभी आपके साथ डांस करेगा दीदी आपके साथ डांस करेगा करके दिखा चल कर डांस दीदी के साथ अबे अब तेरा डांस नहीं निकल रहा अब नहीं निकलेगा डांस इसका उसके साथ तो बड़ा मठक रहा था जो जो करके आ रहे थे दीदी के साथ डांस नहीं निकल रहा अब डांस करने का तेरे को मौत पड़ रही है एक मिनट रुक जा 10 रुपए की सरफ की थैली जैसे जीजा 5 रुपए वाली साबुन की बट्टी जंग लगे छेनिया तोड़े लाया कौन लाया कौन अबे तेरी दीदी मारो सुंदरी से पिट रहा है बीवी से पिट रहा है तू अरे मारो ना मैं देख के रहा मार मैं मारो लेट आके मार मार मारो मार मार आज नहीं बचने चाहिए डेड बॉडी बना उसकी मोसे घर कब बोल के आए थे कब बोल गया कब बोल के आए थे क्या बोल गया कि काम पे जा रहा हूं मैं जो काम काम हो रहा है वैसे तुम्हारे मारे 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 तुम जान दो मैं ये मेरा काम तुम जान दो मैं सुंदरी हूं मैं सुंदरी अच्छा जाकी बीवी सुंदरी हां अच्छा हे कृष्ण जगन्नाथम हे प्रेमानंद ये क्या हुआ क्या हुआ भगवान इनके पिंडदान मैं करा दूंगा इनकी आत्मा को शांति देना ओए क्या कर रहे हो ये डेड बॉडी राम नाम अरे ओए अरे अभी नहीं मरा वो अभी जिंदा थोड़ी सांस चल रही है गाड़ी में फेंकवा उसको अबे क्या कर रहे हो ये फेंकवा में नहीं फेंकेगा अरे अबे वो कचड़े की गाड़ी में तो जी जी तुम रुको टेंशन मत लो अरे मारो मारो अबे क्या ओए अबे ओए अबे ओए किधर ओए इधर आ भाग ओबे कट कर के रहे इधर हैं हमसे पंगा लेगा हमसे पंगा इधर इधर वापिस आ वापिस आ वापिस आ पकड़ इसको पकड़ दीदी जाने मत दियो तेरी टांग में मार टांग में मार दीदी तेरी टांग में सर में मार सर फाड़ दे सर 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 फाड़ सर फाड़ इसका ओबे क्या 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 गुंडागर्दी करवा रहे हो तुझे अरे जीजा हमारा ऐसे कैसे कर लेगा साला साले तुम लोग और क्या तुम लोग साले हो अरे बड़े नाजों से जीजा लाए थे हम तो तुम भी सिलेंडर लगाने आते हो क्या नहीं हम हम पाइप जोड़ने जाते हैं वो सिलेंडर लगाते तुम्हारा जीजा जाने बोलते जाने क्या क्या करता रहता है चल निकल यहाँ से बेकार अरे आप करा रहे थे ना ये सब कुछ मैं करा रहा था और क्या मैं करा रहा था तो किसने कराया ये तू ये कौन ये सारे साले उसके ये और क्या और तू आज सुंदरी को मेले मेले आया तो मैं वो जीजा जी कर भी तो करे गलत हरकत है यहाँ पे निकलो यहाँ से ये बेकार में मारपीट 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 गुंडागर्दी के अलावा कोई काम है तेरे में नहीं है कोई काम पकड़ इसको सीधे आ जा पकड़ क्या कर रहा है ये ओए जा ही तो रहा हूँ तू जी क्या कर रहा था ये मेरे चलने का तरीका है ये अबे क्या कर रहा है अरे रिश्ते मेरे छोटा भाई है ये तेरे छोटे भाई है हाँ, मैं 16 का हूँ ये 13 के मैं इधर जाऊंगा ना चल निकल यहाँ से जा तो रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी पे जाऊंगा साहब के पास थोड़ी आऊंगा ओए जा नहीं जा रहा जा उधर अरे तू निकल यहाँ से ट्रॉली भर के लड़के लेकर आ रहा हूँ ट्रॉली भर के लड़के लेकर आ रहा हूँ यही रुकना जाना मैं तो पहला गिफ्ट मैं पब्लिक में दूंगा जिसने मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो किया हुआ है गुड्डू भैया ग्वालियर जिसने फॉलो किया जल्दी से दिखा दो यहाँ इनाम है गुड्डू भैया ग्वालियर जिसने भी इंस्टाग्राम फॉलो किया हुआ है आप दिखाओ जब तक मैं इधर उपहार दे रहा हूँ पहले अनेजय मॉल बाड़े पे पूरा बताइए मोर बाजार बाड़े पर हाँ, यहाँ पे साड़ियाँ हैं लहंगे हैं लहंगे 1500 से स्टार्ट है साड़ियाँ हैं 250 से भी है अभी 199 से भी स्टार्ट हुआ यहाँ पे कलेक्शन अच्छा एक आपके लिए रखी अनेजा मॉल से है विशाल फर्नीचर विशाल एक पर है इनका क्या है
फर्नीचर का सारा सामान है और बेटियों के लिए दहेज वगैरह के लिए सब सामान देने के लिए। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो लॉस किया जाए। फाइनेंस स्कीम है, एक आपके लिए रख लीजिए, एक आपके लिए। इधर से आता हूँ, अब इधर से आता हूँ। रिजुल फर्नीचर 7 नंबर छतरी। हाँ, और क्या है क्या? पूरा फर्नीचर है और सोफा पलंग और उस पर वो। चलिए वेरी गुड, आपके लिए ये देखिए, ये बेडशीट है बहुत शानदार, एक आपके लिए रिजुल फर्नीचर से, ये एक आपके लिए उपहार है। अब मैं इधर से आता हूँ, पद्मश्री चाय। नई सड़क पर नहीं है, पद्मश्री चाय हर शॉप पर मिलती हाँ, है। वेरी गुड। और इसमें ग्रीन टी है हाँ, सारी टी मिलती है और हाँ, बहुत स्वादिष्ट है ये। आप कहाँ रहते हो? मगरौनी। ये मगरौनी रहते हैं और YouTube पर देखिए ना, YouTube पर देखने के बाद इतना सारा इनको याद हो रहा है। कार्यक्रम अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता। एक किलो में मक्का निकलता है, 250 ग्राम में चम्मच निकलती है, एक आपके लिए पद्मश्री चाय से। चलिए इधर से आता हूँ, बॉम्बे नॉवेल्टी की पैलेस 6 नंबर 10 पे। क्या 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 है बलवीर भाई के यहाँ? ये खेल खिलौने हैं, खेल खिलौनों की पूरी दुनिया। एक आपके लिए बॉम्बे नॉवेल्टी गिफ्ट पैलेस से है। इधर आता हूँ, पूछूंगा आपसे, फिर पूछूंगा। विशाल फर्नीचर 1 नंबर। इनका क्या फर्नीचर? हाँ, और पापा की परी। पापा की परी इनका क्या क्या है? फर्नीचर, बेडशीट वगैरह। आपके लिए पापा की परियों वाला शोरूम रखिए। एक आपके लिए विशाल फर्नीचर, ये आपकी मम्मी है हाँ। चलिए एक आपके लिए रख लीजिए, रिजुल फर्नीचर से एक आपके लिए उपहार है। इंस्टाग्राम जो सबसे पहले दिखा देगा आगे, जिसने इधर आइए मेरे पास, जो आएगा एक जना आइए, इतने सारे आ गए, ओ माय गॉड। अब मैं इतने सारे जो आए हैं, अब मैं इनका बाबू जल्दी है, मैं फंस गया हूँ। अब ये इतने सारे लोग आ गए हैं, मैं कैसे यार इनका डिसीजन करूँ? एक मिनट हाँ। रुक जाइए। अरे रुक तो जाइए, अभी ये बाबू करेगा, रुकिए खोलिए एक मिनट। ठीक है, आपने पहली दूसरी तीसरी वीडियो लाइक नहीं करी, आप हट जाइए एक मिनट। अरे ऐसे हल्के लाइक नहीं करना है, हल्के भैया सही है। दिखाओ, आप खोलो उसको। ठीक है, आप होल्ड पे रहिए बाबू। ये इन्होंने लाइक की हुई है, 2-3 लगातार लाइक की हुई है ये वाला हाँ, और इन्होंने अभी अभी करी है इन्हें भी। चलिए आपके लिए रखिए पद्मश्री से। अभी और है मेरे पास गिफ्ट, मैं अगला गिफ्ट और दूंगा। अभी पूछूंगा विशाल फर्नीचर 6 नंबर 1 हाँ। इनका क्या है पूरा बताइए? इनका बेड, सोफे और अलमारी। इसके अलावा इस बार उनके यहाँ कौन सा मैट्रेस आया है? आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो बता देंगे, नहीं मालूम, सॉरी सर। मैं रिफ्रेश कंपनी का है, लेकिन आपको मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा। आप गोवा से आए हैं, आपने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस किए, सेल्फी में किए, मॉडलिंग की अच्छा किया। एक आपके लिए विशाल फर्नीचर से है। और अब सबके लिए मैं यहाँ पे देता हूँ, रखिए। एक आपके लिए विशाल फर्नीचर से, एक आपके लिए भी है, आपके लिए विशाल फर्नीचर से, एक आपके लिए है, आपके लिए भी है विशाल। आप मैंने खूब पूछा, आप बता नहीं पा रहे हो। एक आपके लिए, आपके लिए भी है विशाल फर्नीचर से है, एक आप आपके लिए विशाल फर्नीचर से, आपके लिए और एक आपके लिए और है। एक एक और देता हूँ, अनेजा मॉल, आपके लिए अनेजा मॉल से है, आपके लिए भी अनेजा मॉल से है, रखिए। एक आपके लिए अनेजा मॉल ICICI बैंक मोर विहार से, एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल से, रखिए आपके लिए है, एक आपके लिए, एक आपके लिए अनेजा मॉल से है, एक आपके लिए और है। एक एक और यहाँ मैं देता हूँ, बॉम्बे नॉवेल्टी गिफ्ट पैलेस बलवीर भाई की शॉप 6 नंबर 10 से, एक आपके लिए। आप जयपुर से आए जी, अब आप जयपुर में भी देखेंगे शो को जी, देखेंगे पर, है ना। एक आपके लिए है, एक आपके लिए भी है बॉम्बे नॉवेल्टी के पैलेस बलवीर भाई की शॉप से, रखिए। आपके लिए भी है, आपके लिए है बॉम्बे नॉवेल्टी से, आपके लिए भी है, एक एक आप दोनों के लिए और है बॉम्बे नॉवेल्टी के पैलेस से। एक एक और देता हूँ आप सबको, कुछ मीठा हो जाए, मीठा होगा यहाँ पर रिजुल फर्नीचर सबके लिए, रिजुल फर्नीचर से एक आपके लिए, रिजुल फर्नीचर आपके लिए भी है, रखते जाइए। रिजुल फर्नीचर से एक आपके लिए, रिजुल फर्नीचर से, सॉरी, एक आपके लिए रिजुल फर्नीचर से, रखते जाइए। आपके लिए, आपके लिए है, आपके लिए भी रिजुल फर्नीचर से, एक आपके लिए। एक एक और मैं आप सबको देता हूँ यहाँ पे, पद्मश्री चाय RRT कंपनी नया बाजार से, एक आपके लिए और है, एक आपके लिए भी है पद्मश्री चाय, एक आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपको तो बड़ा मिल गया है, एक आपके लिए पद्मश्री चाय RRT कंपनी
आपके लिए है, आपके लिए है, एक आपके लिए भी है पद्मश्री चाय से। जिसने आओ मेला चला यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए गिफ्ट है। आओ मेला चला जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है। नहीं आपने ये इंस्टाग्राम ने आओ मेला चला यूट्यूब पे जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है ये इंस्टाग्राम भी है यूट्यूब पे भी है। लेकिन आपने दिखाइए, खोल के दिखाइए जल्दी से। आपको मैं गिफ्ट दे चुका हूँ, आप ढूंढिए मुझे बताइए। गुड, ये आपका हो गया, आपने पहले दिखा दिया है। आपको भी मैं दे देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, एक आपके लिए है। अचलेश्वर सीएनसी एवं इंटीरियर डिजाइनर की ओर से एक एक आपके लिए, और एक आपके लिए श्री अचलेश्वर सीएनसी राउटर और इंटीरियर डिजाइनर की ओर से एक एक आपके लिए, आपके लिए भी है, एक आपके लिए रखिए, एक एक आप दोनों के लिए भी है रखिए। श्री अचलेश्वर सीएनसी राउटर इंटीरियर डिजाइनर स्मार्ट मसान गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर एक एक आपके लिए और है, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से है, आपके लिए है, एक आपके लिए भी है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से है, आपके लिए रख लीजिए गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर से, आपके लिए है, आपके लिए भी रखिए गोल्डन लाइफ से है, एक आपके लिए है गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर 36 नंबर 3 कश्मीरी गेट के बीच से, एक आपके लिए, एक एक और अनेजा मॉल से एक एक आपके लिए और है, एक आपके लिए अनेजा मॉल से रखिए, एक आपके लिए भी है, आपके लिए भी अनेजा मॉल से और है, अनेजा मॉल से आपके लिए और है, आपके लिए अनेजा मॉल से और है, एक रखिए, आपके लिए भी है अनेजा मॉल से रखिए, आपके लिए है, और एक एक आप दोनों के लिए है अनेजा मॉल से। इधर आओ सरदार जी, क्या नाम है आपका? मोनू राठौर। प्रोग्राम देखते हैं आप, रखिए एक आपके लिए रख लीजिए पद्मश्री चाय से। क्या नाम है आपका? लीना। कहाँ रहते हैं? अलकापुरी। ये प्रोग्राम देखा आपने आओ मेला चला टीवी पे, एक आपके लिए आज चाय पीते पीते देखिएगा ये पद्मश्री चाय से। आपका नाम? चंचल गोयल। कहाँ रहते हैं? मुरार। मुरार प्रोग्राम देख रहे हैं? हाँ जी। रखिए पद्मश्री चाय से एक आपके लिए उपहार है, इधर आता हूँ। क्या नाम है आपका? लता। कहाँ रहते हैं? ग्वालियर। अच्छा, प्रोग्राम देखते हैं मेले का? हाँ देखते हैं। एक आपके लिए रखिए पद्मश्री चाय से। दोस्तों यहाँ से अब सीधे चलते हैं झूला सेक्टर और देखते हैं कि आज बुधवार के दिन क्या नज़ारा है। यहाँ से सीधे झूला सेक्टर चलते हैं दोस्तों, यहाँ से सीधे बॉम्बे नॉवल्टी गिफ्ट पैलेस बलवीर भाई की शॉप पर। तो बलवीर भाई क्या जानकारी आज दे रहे हैं? मैं बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, जो अपन कार्यक्रम देख रहे हैं बताना चाहता हूँ। अगर किसी को थायराइड वगैरह है, थायराइड अगर कोई भी पेन वगैरह तो मसाज का ही आया, बहुत शानदार है। और हमारे पास ये लाइट आई है, सेंसर लाइट बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, कोई बगल से भी निकलेगा लाइट जल जाएगी ऑटोमेटिक, ये घर की लाइट से चार्ज हो जाती है। इसमें छोटी बड़ी लाइट हैं और ये ग्रिल वाली लाइट भी आई है मेरे पे, और वैक्यूम क्लीनर सफाई करने के लिए, वैक्यूम जो होता है ना, वैक्यूम क्लीनर है। और बहुत अच्छे अच्छे आइटम है। और बताना चाहता हूँ कि गाड़ियों को वॉश करने के लिए जो काफ़ी पानी की बर्बादी होती है, 10 बाल्टी का 1 बाल्टी में काम हो जाए, प्रेशर बहुत अच्छा आता है इसका। ये बहुत अच्छा आइटम आया है, इम्पोर्टेड आइटम। ये मार्केट में आपको 550-600 रुपये का मिलेगा, हमारे यहाँ पे आओ मेला चला गुड्डू भैया के द्वारा ओनली 200 रुपये में, और 350 वाला मात्र 110 रुपये में। और क्या है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर, महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर की सारी रेंज लगी हुई है, आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी रेंज लगी हुई है, बालों को स्ट्रेट कटिंग वगैरह। हाँ, पूरी आइटम है, बहुत अच्छे वाले माइक आपके पास रहेंगे? हाँ, सिंगिंग वाले माइक आए हैं, सिंगिंग वाले माइक हैं, कराई को वगैरह सारा सिस्टम होता है इसके अंदर, बहुत अच्छे अटैच हो जाती है। हाँ, ऑनलाइन अटैच करके बिल्कुल। और सीक्रेट कैमरे मिल जाएंगे आपको, काफ़ी अच्छे अच्छे जो बताना चाह रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ 36 नंबर 10 पर काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम हैं, बच्चों के आइटम, टॉय, जनरल नॉलेज आइटम, महिलाओं की पार्लर की सारी रेंज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और खुफिया वाले कैमरे हमारे पास सारे उपलब्ध हैं 36 नंबर 10 पर, हमारा डीडी मॉल में भी शोरूम है। और जो ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं वो ऑनलाइन रेट से कम में हमसे ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरे मोबाइल से भी भेज सकते हैं, वो अरेंज कराए थे, सारे आइटम हमें मिलते हैं। तो बताना चाहूँगा 36 नंबर 10 पर आप आएँ, हमारा ये करीब 40 साल पुराना शोरूम है, और आओ मेला चलेगा हम स्वागत करते हैं जिन्होंने हमें दिखाया। चलिए तो 36 नंबर 10 पर बॉम्बे नॉवल्टी की पहले बलवीर भाई का ये शॉप, नई अनोखी दुनिया ये लेकर आते हैं, जो चीज़ कहीं नहीं मिलती वो मिलती है बलवीर भाई के यहाँ। तो आप भी कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल पा रही तो परेशान ना हो, ग्वालियर के व्यापार मेला 36 नंबर 10 पर आ जाएं और बलवीर भाई से वो अपनी जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो बोल दें कि आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आना पड़ेगा ग्वालियर के व्यापार मेला
36 नंबर 10 और डीडी मॉलमैन का शोरूम है, लेकिन ग्वालियर के व्यापार मेला में 36 नंबर 10 बॉम्बे नोवल्टी के पहले बलवीर भाई का ये शॉप। तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम विशाल फर्नीचर, आओ मेला चले। जल्दी से चैनल्स के नंबर नोट कर लिए, विन ग्वालियर हेड पे 868 नंबर चैनल पर आप देखेंगे, डिजियाना पर आप देखेंगे 91 और 123। इसके बाद GPTL पर आप देखेंगे 50 नंबर, एशियन पर देखेंगे 50 नंबर, डेन नेटवर्क पर आप देखेंगे 156 नंबर 156, और इसके साथ में NXT हिंदुजा केबल पर आप देख सकते हैं 71 नंबर चैनल पर, और फिर YouTube पर यह पूरा प्रोग्राम हमारा अपलोड होता ही है। आओ मेला चले YouTube पर आप सब्सक्राइब करिए, वहाँ आपको पूरा प्रोग्राम मिलेगा। Instagram गुड्डू भैया ग्वालियर आप Instagram पर फॉलो करिए, वहाँ भी मेले की आपको झलकियाँ मिलती हैं। इसके साथ में Facebook शिरीष गुप्ता गुड्डू भैया। तो इजाज़त चाहता हूँ आज के कार्यक्रम में, मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू, कैमरामैन पिंटू वर्मा, निखिल कटारिया, बाबू बेदड़ा का अनुभव हासवानी, करण बघेल के संग में पलाश चौहान, कृष्णा सुरेश, उमा पाल, ऋतु भार्गव, हर्षिता कुशवाहा और राहुल, यहाँ पूरी आओ मेला चलेगी जो हमारी टीम चल रही है। इसके साथ में दीप जसेले, सुभाष सोलंकी, पूरी आओ मेला चले टीम के साथ। इस वादे के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि कल आपसे इसी चैनल पे इसी जगह पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए सभी नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, सभी हम उम्र को आए। अंत में आज इजाज़त और कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।